Hey everyone, are we live? Yes, can you see me, guys? Hey guys, what's up? Hello, what's up? Yes, are we live, guys? Can you see me? Hey, what's up? Okay, hello Sophie, hello biology at your fingertips, hello. Hello everyone, yes, we are joining and I am live for you people once again. Okay everyone, very good. ID changed, classmate, okay. कैसे हो बच्चों? आज हमारा फिर से नया सेशन NCERT रिवीजन वाला जो सेशन है हमारा, आज उसका पार्ट नंबर 7 और हम लोगों ने 12th की फर्स्ट बुक जो है उसको करना शुरू कर दिया है। 12th की फर्स्ट बुक में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया है, कैपेसिटर कर लिया है, करंट कर लिया है, तो बहुत स्पीड से हमारा इसके साथ जो एनसीईआरटी का रिवीजन है वो चल रहा है एंड इट इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन अटेंड राइट नाउ। यस, दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन अटेंड। इससे आप लोगों का कोई क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा, कोई कंसेप्ट आप लोगों का मिस नहीं होगा, आपको ये सब चीजें पता लग जाएंगी एक बार देखकर कि एनसीईआरटी में आखिर कितना और क्या क्या दिया हुआ है और हमें किस हिसाब से पढ़ना है। हेलो हेलो अभिषी, हेलो श्री वार्षिनी मडला जी, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। ओके एवरीवन, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर कर लीजिए और सब लोगों को बुला लीजिए जिससे हम इस वाले अमेजिंग से सेशन को दोबारा से शुरू कर सकें और पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी बातें जो हैं उनको भी कर सकें, क्योंकि इस समय गाइडेंस मोटिवेशन एवरीथिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। यस, 13th इज द डे, 13th इज द डे, राइट? यस, आई विल बी रीडिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश श्री वार्षिणी जी, सो डोंट वरी। हेलो जस्ट रेडिकल, हेलो, राइट? आई विल बी यूजिंग इंग्लिश टू रीड द एनसीईआरटी फॉर श्योर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग, देन आई विल बी यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ बोथ द लैंग्वेज, राइट? मोर ऑफ इंग्लिश इज वॉट वी आर यूजिंग, सो जस्ट बी देयर, try to attend the class. Hello Anjali, hello Prachi, everyone, call up your friends guys, जल्दी जल्दी बुला लाइए जिससे हम लोग सेशन को शुरू करें। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने आप से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो गाइज, हेलो, मैं निपुण मित्तल अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के सामने हमारे लेट्स क्रैक नीट यूजी जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा चैनल है, उसके ऊपर स्वागत करता हूँ। आप लोग मुझे जानते हैं एनएम सर के नाम से, बाला सर के नाम से और कई अलग अलग नामों से, और टीचर हूँ, मोटिवेटर हूँ, राइटर हूँ, 10 साल से ज्यादा से बेटा कोटा में पढ़ा रहा हूँ, कोटा में ही रहता हूँ और यहीं से बेटा आप लोगों के लिए लाइव हूँ। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई एम टीचिंग एंड द पॉइंट इज दैट आई हैव टॉट मेनी सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट रैंक्स इन एम्स, नीट, जेई, केवीपीवाई एंड ओलंपियाड, राइट? जितने नेशनल इंटरनेशनल ओलंपियाड होते हैं, केवीपीवाई, एम्स, नीट एंड ऑल द एग्जामिनेशंस व्हिच आर 11th एंड 12th बेस्ड, आई हैव generated good ranks in those examinations, single digit or double digit ranks, मतलब top 10 ranks, top 100 ranks, बहुत सारी generate की हैं और कई हजारों लाखों students को और teachers को mentor कर चुका हूँ online और offline। Hello everyone, hello। अगर आप लोग मुझसे बेटा पर्सनली भी पढ़ना चाहते हैं YouTube के अलावा, आप लोग मेरे साथ में प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ना चाहते हैं जो हमारा पेड प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपके डाउट्स वगैरह और सारी की सारी चीजें जो है वो सॉल्व करवा दी जाती हैं, हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाता है एंड एवरीथिंग। ऐसी जगह अगर आप लोग आना चाहते हैं जहां पर आप ये समझ लें कि नीट तक पहुंचने की जो हमारी तैयारी है, वो वाली तैयारी को आप ऐसा समझ लो कि विंग्स लग जाएंगे, तो उस तैयारी को करने के लिए अगर आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो आपको बेटा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। हेलो एवरीवन, हेलो। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फायदा क्या होगा उस सब्सक्रिप्शन का देख लेते हैं। आप लोगों को बच्चों डेली मेरी लाइव क्लासेस मिलेंगी, आप लोगों को डेली मेरी क्या मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। जो लाइव क्लासेस होंगी बेटा, इसके अंदर हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन होता है बहुत ही जोरदार। आप इसमें फोटोज लेके डाउट्स के मुझे भेज सकते हैं, वाले डाउट्स बेटा हाथों हाथ आप लोगों के सॉल्व कर दिए जाते हैं, तो इसलिए बहुत बड़ा फायदा इन लाइव क्लासेस के अंदर हमारा डिस्कशन होता है, पोल्स होते हैं, ठीक है? टुडे वी विल बी डिस्कसिंग मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ऑल द 3 चैप्टर्स विल बी डन टुडे, यस। एंड अगली क्लास के अंदर फिर मॉडर्न या फिर सेकंड पार्ट जो है, अगर मैं उसकी बात करूं, उस वाले पार्ट में हम लोग एंट्री मार जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज डोंट मिस द क्लास एंड बी देयर इन द क्लास, ऑलराइट? लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं बेटा, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से एवेल्युएट कर सकते हैं। साथ ही बेटा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, नीट है तो नीट जैसा, एडवांस है तो एडवांस जैसा एंड एवरीथिंग। हेलो प्रवीण, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है बेटा, जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे मेरा कोड लगाते हैं ना एनएम सर,
तो आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है हर चीज का, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कोई सब्सक्रिप्शन लिया और उसके बाद में ऑल द वीडियोस आर ओपन फॉर अस, ऑल द टीचर्स, ऑल द वीडियोस, एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू, एंड देयर आर मोर देन 50 एजुकेटर्स हु आर टीचिंग यू, हु आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, हु आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ कोटा, हु आर टीचिंग यू राइट नाउ। यस, टुडेस क्लास, ऑलराइट। यस यस, ओके, यस, दिस इज फॉर 2020 पीपल, राइट, है ना। और अगर आप लोग मुझसे जुड़ेंगे तो आपको बेटा अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और आज ही बेटा ऐप इंस्टॉल करके एक काम क्या करना है बेटा, मुझे यहाँ पर फॉलो कर लेना जरूर से, मुझे यहाँ पर फॉलो करना एकदम कंपल्सन है, तो प्लीज डू फॉलो मी। ये काम तो बेटा कर ही लेना है, मेरे को जल्दी से फॉलो कर लो ऐप के ऊपर निपुण मित्तल, मैं आप लोगों को नीट यूजी सेक्शन के अंदर मिल जाऊंगा। हेलो हेलो नेहा, हेलो, ठीक है ना, ठीक है, नीट से, नीट के साथ कॉलेज भी करो, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हेलो मोनीश जी, हेलो 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 सर, आई एम बिकमिंग सैड, ओके, व्हाट्स द रीजन। और बेटा जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं तो आपको इस तरह से बहुत सारे जो ऑफर्स है ना बेटा ये नजर आते हैं। इनके अंदर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसमें बेटा जितना भी आप लोग जितने ज्यादा टाइम का सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना ही आपके लिए इकोनॉमिकल होता जाएगा। और अन अकेडमी ने ऐसा रेवोल्यूशन आप लोगों के लिए जनरेट किया है, यहाँ पे एक ऐसा रेवोल्यूशन लेकर आए हैं एजुकेशन में कि एक साल की जो बेटा आप लोगों की ये क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रही है इसकी कॉस्ट सिर्फ 27,000 रुपीज है, और दो साल की तो भाई अगर देखें तो इट इज जस्ट 32,400 रुपीज, यानी कि अराउंड 40 रुपीज अ डे, दैट्स इट। और यहाँ पर बेटा अराउंड 60 रुपीज अ डे, बस बेटा इतना, मतलब 1,350 रुपये महीना। यार इससे ज्यादा तो मैं बस वाले को आने जाने का खर्चा देता था मेरे स्कूल में, है ना, ये मैं मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ, मेरे टाइम पे मुझे इससे ज्यादा पैसा जो है वो हमारे टेम्पो वाले भैया को देना पड़ जाता था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों को बेटा सब कुछ, यानी कि फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी, सब कुछ अवेलेबल हो रहा है, क्वालिटी टीचिंग अवेलेबल हो रही है इन दिस कोर्स। और ये कब, जब आप लोग बेटा मेरा ये रेफरल कोड जो है ये यूज करेंगे, विच इज एन एम सर। वंस यू आर यूजिंग द कोड एन एम सर, आप लोगों को सीधे सीधे बेटा जो ऊपर लिखी हुई कॉस्ट है ये वाली कॉस्ट आपको दिखती है, और ये वाली कॉस्ट 10% डिस्काउंट के बाद आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। गुड मॉर्निंग त्रिप्दीप जी, गुड मॉर्निंग, यस, अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप, यस यस यस, ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट, टुडे आई एम ऑन टाइम, यस, नेहा इज ऑन टाइम टुडे, आज उन्होंने मिस नहीं किया है बिल्कुल भी, बहुत ही बढ़िया। सर नीट के ग्रेजुएटिंग कॉलेज भी करें या नहीं, ग्रेजुएटिंग कॉलेज अभी कौन से ग्रेजुएटिंग कॉलेज की बात आ गई बेटा। I have completed class 12 this year. Got only 140 in 720 in mock test. How will I go to 350? बेटा तो बहुत कम आ रहे हैं 140 नंबर 720 में से, तो बहुत ही कम हो गए। आप 2021 की तैयारी करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जस्ट यूज द कोड एन एम सर एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। आप लोगों के लिए बेटा सबसे बड़ा फायदा जो आप लोग मेरा कोड लगा के पाते हैं वो ये है कि बेटा पॉकेट फ्रेंडली टीचिंग है, क्वालिटी टीचिंग आपको मिली रही है, आप लोग मेरे से पर्सनलाइज डाउट सॉल्व करवा पाते हैं और आप मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। आप लोग बेटा जैसे ही मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर आते हैं वैसे ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी सब्जेक्ट्स का जो बेटा स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों को मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आपको सब स्टडी मटेरियल मिल जाता है, आपके डाउट जो है बेटा वो सॉल्व हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि फिजिक्स जिसके अंदर आपको मेजर प्रॉब्लम आती है, थ्योरी पढ़ के कुछ समझ नहीं आता, एनसीईआरटी पढ़ के कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, मैं बता दूं आपको, इसीलिए एनसीईआरटी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। एनसीईआरटी जो है ना वो आप ऐसा समझ ले कि एनसीईआरटी खोलना मतलब नींद की गोली खाना, एनसीईआरटी अगर खुद से खोल लो, और वो जो किताब है उसको मैं आप लोगों के साथ में पढ़ रहा हूँ जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो प्लीज रिमेम्बर दिस, आप लोग मेरे साथ में जुड़िए, मेरा कोड लगाइए एन एम सर और आगे बढ़ जाइए अपने नीट का ये जो रास्ता है ये कांटों भरी राह को एकदम फूलों भरी राह बना लो और मेरे साथ में जुड़ जाओ, ठीक है, डन, ओके। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट द सेशन विद आर एनसीईआरटी व्यू, है ना, एनसीईआरटी व्यू के अंदर हम लोग चलते हैं और एनसीईआरटी के अंदर देखते हैं हम लोगों को आखिर क्या क्या पढ़ना है आज। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस वगैरह वाला बेटा सारा का सारा जो पार्ट जो है वो पढ़ चुके हैं, ऑल राइट, ठीक है। करंट हम लोगों ने बेटा कल ही कर लिया था, और ये वाली जो सीरीज है आप लोगों के लिए इतनी अच्छी है, आप सभी लोगों को बेटा इस वाली सीरीज को अटेंड करना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ में खूब सारा शेयर करना चाहिए। अगर आप लोग इसे शेयर नहीं कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, ये वाली बात भी आप लोग प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो आ जाइए जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, अच्छा तो आपको लगेगा ही सही, ये बात की गारंटी मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद मैग्नेटिज्म, ऑलराइट एवरीवन, आर यू एबल टू सी। और आप लोगों के लिए बेटा एक बहुत बढ़िया सेशन आज शाम को भी मैंने प्लान किया है, साथ ही आज स्पेशल क्लास हमारी 2 बजे वाली भी है, बी देयर इन द 2 PM स्पेशल क्लास जिसके अंदर हम लोग एनटीए वाला जो टेस्ट है बेटा वो लेने वाले हैं, ठीक है।
2 बजे स्पेशल क्लास है एनटीए वाली, 2 PM स्पेशल क्लास, जस्ट बी देयर इन द क्लास। 2 बजे वाली जो आप लोगों की स्पेशल क्लास है, इस वाली क्लास के अंदर बेटा जरूर जरूर से आए, ठीक है ना बेटा? हाँ, ये वाली क्लास जो है ये बहुत जरूरी है, ठीक है? हाँ बेटा, बच्चे बिल्कुल 2 बजे वाली स्पेशल क्लास बहुत जरूरी है, इस वाली क्लास में जरूर आए, क्योंकि इस पे हम लोग बेटा एनटीए के जो एकदम बेस्ट एम बेस्ट पेपर्स हैं उनके जो बेस्ट एम बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बेस्ट पेपर्स के जो बेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकाल के आप लोगों के लिए सजा दिए गए हैं एक सिंगल जगह पे। तो आज 2 बजे इस वाली स्पेशल क्लास में आए और टेस्ट जरूर दें। ये वाले टेस्ट बेटा आपका 2 बजे से आपका दिमाग जो है वो तेज चलाना शुरू कर देगा, क्योंकि फिजिक्स ही ऐसा है जैसे देख के दिमाग की बत्ती जो है वो गुल हो जाती है, ठीक है? और इसके अंदर बेटा जो क्वेश्चंस है वो नीट के भी और बच्चों जेई के भी दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं, दोनों ही स्टाइल के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो इसीलिए बी देयर। ऑलराइट सर, आपने 1 सितंबर को डांटा था तो आई विल स्टॉप यूजिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड नेहा, ठीक है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं मिहिर के, नीट अब पोस्टपोन नहीं होगा चाहे 1 लाख केस भी आने लगे, है ना? एनीवेज अब हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, 2 बजे वाली स्पेशल क्लास में जरूर से हैं। लेट्स बिगिन आवर स्टडीज नाउ। ऑलराइट, तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर हम लोग आज आ गए हैं। आज हमारी 12th क्लास का सब क्लास 11th का चलेगा स्पेशल क्लास। बेटा अभी 11th का नहीं है, अभी वो 12th, अभी 13th वालों के लिए स्पेशल क्लास है, ऐसा बोलो 2020 कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल क्लास है। बट इफ यू वांट टू अटेंड के कैसी फील होती है तो आप उस वाली क्लास में आ सकते हैं, 2 बजे जो स्पेशल क्लास है उसमें जरूर है बच्चों, ठीक है? तो देख भाई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में ऐसा लिखा गया है कि 2000 साल से हम लोग इनके बारे में जानते हैं, पर 200 साल पहले ही हम लोग इन चीजों को कंट्रोल कर पाए और इनके जो बीच के रिलेशन थे उन वाले रिलेशन को हम लोग समझ पाए, ठीक है? 1820 है ना, करीब करीब 200 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है बेटा? उस समय एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड, जिन्होंने ऐसा पाया कि दैट अ करंट इन अ स्ट्रेट वायर कॉज्ड अ नोटिसेबल डिफ्लेक्शन इन अ नियर बाय मैग्नेटिक कंपास नीडल। ही इन्वेस्टिगेटेड दिस फिनोमेनन। He found that the alignment of the needle is tangential to an imaginary circle which has the straight wire as its center and has its plane perpendicular to the wire. This situation is depicted. इस वाली situation को हमने देखा भी है और इस वाली चीज को हम लोग जानते भी हैं कि Oersted का जो बेटा experiment था, ठीक है, Oersted का जो experiment था उस वाले experiment के अंदर क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था बेटा, एक बार हमारे पास में एक कंपास नीडल ली थी, करंट दौड़ाया था, फिर उन्होंने करंट की डायरेक्शन चेंज की थी, फिर से कंपास नीडल को उन्होंने क्या किया था बेटा, एक्सप्लोर किया था कि भाई किस तरह से कंपास नीडल के अंदर जो है डायरेक्शन है ना बेटा वो चेंज होता है। जब उन्होंने ये सब चीजें देखी और इन सब चीजों को बेटा समझने की कोशिश की, तब उनको पता लगा कि अरे यार इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, मतलब कि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन ला सकता है, मतलब कोई तो मैग्नेटिज्म जो है वो जनरेट हो रहा है, मतलब कोई तो यहाँ पर नई कहानी जो है वो आ रही है, ठीक है? तो देखो, आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल्ड अराउंड द वायर अरेंज देमसेल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द वायर एज द सेंटर। ऑर्स्टेड कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्जेस और करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। मतलब अगर मूविंग चार्जेस होंगे बेटा तो यहाँ पर हेलो स्वीट पे तू, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, तो वो अपने आसपास की जगह पर, आसपास की जगह पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों को जनरेट करेंगे, जो इन्होंने बताया था, ठीक है? ये वाला बेटा आप लोग जानते हैं कि अगर मान ले वायर जो है बेटा वो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है तो ऐसे गोला बन गया था, ठीक है? इस तरह से इकट्ठे हो गए थे बेटा आपके जितने भी आयरन की जो फाइलिंग्स जो आप लोगों ने इकट्ठा इकट्ठा की थी, इसी तरह से बेटा अगर वायर का जो करंट है वो इस तरह से जा रहा था, फिर इस तरह से गोला बन गया था। डायरेक्शन वगैरह देखने का तो काम इन्होंने कर ही लिया था, वो एक अलग चीज है, पर हमें यहाँ पर ये वाली चीज पता लगनी चाहिए कि हुआ किस तरह से था, ठीक है? तो हमारे ऑर्स्टेड जी हैं, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, जिन्होंने इन सब चीजों के बारे में बताया। ध्यान रखना है बेटा, डॉट का मतलब जो होता है वो क्या होता है बेटा, डॉट का मतलब आउट होता है और क्रॉस का मतलब बेटा इन होता है। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे सब लोग, ठीक है? इन्होंने क्या देखा, देखो, हाउ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्सेस ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड करंट कैरिंग वायर्स। वी शैल आल्सो लर्न हाउ करंट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। वी शैल सी हाउ पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज इन अ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन भी बेटा हम लोगों को यहीं पर पढ़ना है। शाम बनारस वो स्त्री कला ना, अरे वाह बेटा, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, स्त्री को कल बुलाइए, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है? तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है? तो देखिए, सोर्सेज एंड फील्ड, सबसे पहले किसकी बात की गई है बेटा, सोर्सेज और फील्ड के बारे में बात की गई है। बिफोर वी इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी शैल रिकैप्चुलेट व्हाट वी हैव लर्न्ड इन चैप्टर 1 अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वी हैव सीन एन इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस, हम लोगों ने देखा था स्टैटिक चार्जेस जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और बेटा इसी प्रकार से जो हमारे मूविंग चार्जेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, ये बात हमने जानी थी। तो फोर्स की वैल्यू जो हम लोग बेटा क्यू ई लिखते थे, असली में तो इसके साथ में एक मैग्नेटिक फोर्स फील्ड भी एसोसिएटेड होती है।
अब वो किस तरह से एसोसिएटेड होती है, क्या होती है, ये सब चीजें हम लोगों को समझनी थी। ठीक है, इन वाली लाइंस को बेटा मार्क करते रहो, जैसे जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ हाईलाइटर लेकर बैठिए बेटा अपने साथ में, बिल्कुल भी मिस आउट ना करें इन सब लाइंस को। जो जो लाइंस बेटा मैं मार्क करता जा रहा हूँ, आप लोग भी उन वाली लाइंस को मार्क करें, आप लोग भी अपना एक हाईलाइटर लेकर बैठे, एनसीईआरटी साथ लेकर बैठे, तब आप लोगों को बहुत सारा मजा आएगा एनसीईआरटी को पढ़ने का। ठीक है, तो ध्यान रखिए, द कंसेप्ट ऑफ अ फील्ड वॉज स्पेशली स्ट्रेस बाय फेराडे एंड वॉज इंट्रोड्यूस बाय मैक्सवेल इन हिज यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो लाइन है इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है बेटा पहले। ठीक है, जिपमर का क्वेश्चन आया था, कंसेप्ट ऑफ फील्ड किसने स्ट्रेस किया था बेटा, फेराडे ने, और उसके बाद में इनकॉर्पोरेट किसने किया था बेटा, मैक्सवेल ने, जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को साथ साथ रख के बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह जो है बेटा वो होती है। ठीक है, तो इन एडिशन टू डिपेंडिंग ऑन ईच पॉइंट इन स्पेस इट कैन ऑल्सो वेरी विद टाइम, दैट इज बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये वाली चीजें ध्यान रखनी है बच्चों। सर ये इक्वेशन फिर से एक्सप्लेन कीजिए, अभी तो कोई इक्वेशन बताई नहीं बेटा, ये कोई इक्वेशन थोड़ी है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, E की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट्स इट, बस यही तो बताया है और कुछ बताया ही नहीं है मेरे बच्चे, है ना बच्चे। आजा तो देख, द फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी ड्यू टू वन और मोर चार्जेस, फील्ड जो है वो एक से ज्यादा चार्जेस के कारण हो सकती है। इफ देयर आर मोर चार्जेस द फील्ड्स एड वेक्टोरियली, ज्यादा चार्जेस हैं तो वेक्टोरियली उनको एड कर दो डायरेक्शन के साथ में, ये बात हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिए, जस्ट एज स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द करंट्स और मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस इन एडिशन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही सही, साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी जनरेट हो जाती है, विच इज अगेन अ वेक्टर फील्ड। इट हैज सेवरल बेसिक प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिफाइंड एट ईच पॉइंट इन स्पेस एंड कैन इन एडिशन डिपेंड ऑन टाइम। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिपेंडेंसी है वो टाइम लाइन के ऊपर नहीं होती, पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड टू ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्सेज इज द वेक्टर एडिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंस फोर्स के बारे में बताया, लॉरेंस फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब बेटा चर्चा हुई तो इसी बारे में बात हुई कि भाई किस तरह से जो फील्ड है और फोर्स है उसको हमें किस तरह से देखना होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला बेटा कि अगर हमारे पास में पॉइंट चार्ज है क्यू जो कि वी वेलोसिटी से जा रहा है, किसी आर जगह पर दिया हुआ है एट टाइम टी, इन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज ड्यू टू बोथ ऑफ देम, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स आता है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फोर्स आता है। ऑल्दो हम जब मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो बेटा लॉरेंस फोर्स बहुत बाद में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में शुरू में ही बता देते हैं, और इसीलिए सारा का सारा जो दिमाग है ना बेटा वो गोल हो जाता है कि क्या हो गया एनसीईआरटी के अंदर। इसीलिए एनसीईआरटी कब पढ़नी चाहिए, जब पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ लो, जब चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अपने हिसाब से सॉल्व कर रहा हो और उसके बाद में बेटा एनसीईआरटी पढ़ो। तो इसलिए जो एनसीईआरटी वाली सीरीज है ना बेटा, ये वाली सीरीज मैं आपके लिए तब लाया हूँ जब हम लोगों ने ये सब चैप्टर्स को अलग से पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, और अब हमारा एग्जाम आने वाला है, तब हम लोग अब एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहे हैं एकदम क्विक 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 क्विक। तो प्लीज है ना, अपने हाईलाइटर लेकर बैठो बेटा, विदाउट हाईलाइटर सब बेकार हो जाएगा। इस वाली क्लास को अटेंड करो और हाईलाइटर लेकर बैठो, बहुत मजा आने वाला है। तो एफ की वैल्यू देखो, एफ की वैल्यू में बेटा क्यू तो आ ही गया, साथ में क्यू वी क्रॉस बी भी आ गया। क्यू वी क्रॉस बी जो होती है बेटा वो आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो होती है, क्यू वी क्रॉस बी, ये आप लोगों की फोर्स है बेटा किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जो आप लोगों को ढंग से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो देख फिर से देखते हैं बच्चों, ये कंडीशन जो है बेटा ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, ऑल राइट। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फोर्स वाज गिवन फर्स्ट बाय एच ए लॉरेंस बेस्ड ऑन द एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एम्पियर एंड अदर्स, इट इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम लोग उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन क्यू वी एंड बी, बी जो है बेटा वो वेलोसिटी है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज ऑपोजिट टू दैट ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, हम लोग जानते हैं बेटा। क्यू का जो साइन है उसको साथ में यूज करना है, तो Q has to be put with sign, इस वाली बात का ध्यान रखें। V cross B vector आप लोग जानते हैं, जैसे मान लो velocity ऊपर है, B जो है वो अंदर है, तो V cross B ये direction किसका होगा, फोर्स का। तो हमेशा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड थंब रूल से आप लोगों को जो डायरेक्शन है वो आप लोगों को किसका देना है, मैग्नेटिज्म की फोर्स का देना है। तो मान ले बेटा ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, तो V ऊपर B अंदर, V ऊपर B अंदर, ये हमारा डायरेक्शन किसका आ गया बेटा, मैग्नेटिक फोर्स का, जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लगी बेटा उसका। ऐसे ही मान ले B जो है बेटा वो बाहर थी और वेलोसिटी जो है बेटा वो मेरी इस डायरेक्शन में थी,
तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग सर वी की डायरेक्शन में अपने हाथ को कर लेंगे और बी की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को घुमा लेंगे। तो वी की डायरेक्शन में हाथ किया, बी की डायरेक्शन में उंगली घुमाई, तो ध्यान दीजिए बेटा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राइट हैंड लगाना है, लेफ्ट हैंड नहीं लगाना है। तो वी की डायरेक्शन में हाथ, बी की डायरेक्शन में उंगली घुमाई, तो एफ एम कहाँ आई? नीचे को आई। ध्यान दीजिए, जो बेटा आपकी एफ एम आएगी, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली बात भी ध्यान रखना, बेटा एफ एम इज परपेंडिकुलर टू बी, और बेटा आपकी जो एफ एम होती है इट इज परपेंडिकुलर टू बी। इसके ऊपर दो बार क्वेश्चन आ चुका है, तो दिस लाइन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगेन हेलो कृष्णा जी, हेलो हेलो कृष्णा जाकर, ठीक है। चलो चलो रिया, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। एवरीवन ट्राई टू स्टडी गाइस। यस यस यस, एवरीवन ट्राई टू स्टडी, एवरीवन ट्राई टू स्टडी गाइस गाइस गाइस। यस यस यस, चल आ जाओ भाई नीचे देख लेते हैं। और अगर बेटा सेशन को लाइक नहीं किया है तो खटाखट लाइक कर दो, खटाखट अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ठीक है। आइए बेटा, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है देख लेते हैं। ये लाइन तो हमने देखी ली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो इफ चार्ज इज नॉट मूविंग। भाई वी अगर जीरो कर दोगे तो खत्म हो जाएगी कहानी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ये अब आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वाली चीज मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देख, डायमेंशनली वी हैव बी इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू वी एंड द यूनिट ऑफ बी आर न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। ये वाली चीज ध्यान रखें। तो इसी को अपन ने बेटा टेस्ला नाम दे रखा है, नेम्ड आफ्टर निकोला टेस्ला, ठीक है। टेस्ला मोटर्स अभी आप लोग सुन ही रहे हैं, एलोन मस्क वाली। सर इफ वी डोंट हैव दिस चैप्टर स्ट्रॉन्ग देन विल इट बी इफेक्टिव? इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव बेटा, एक बार इस बार ने पढ़ लेगा, क्या पता कोई क्वेश्चन जो है वो बन जाए देर से। एटीट्यूड बॉय जी, आचार्य जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ठीक है। ऑल राइट, पहले विश आपका आया, ब्लेस अप आपको भी फॉर नीट। ओके थैंक यू, थैंक यू बच्चों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं नीट के लिए। सब लोग तैयार रहो, बस आने वाला है, ठीक है। अब देख, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ वैरायटी ऑफ फिजिकल सिचुएशंस। तो देख, न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार अपने वैसे सिलेबस सिलेबस का पार्ट नहीं होता, न्यूट्रॉन स्टार यूनिवर्स में कहीं तो एग्जिस्ट करते हैं जो फूटते करते रहते हैं। तो 2000 न्यूट्रॉन स्टार, और बेटा 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 टेस्ला की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट करता है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी ह्यूज, ठीक है। हम लोग लेबोरेटरी के अंदर अगर 1 मान के चलते हैं तो उसके कंपैरिजन में हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं। किसी बार मैग्नेट के आसपास 10 की पावर -2 टेस्ला होती है, अर्थ की सरफेस पर 10 की पावर -5 टेस्ला, ह्यूमन का जो नर्व फाइबर होता है उसमें 10 की पावर -10 यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम जितनी टेस्ला होती है बेटा बेसिकली। और इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर जब चले जाते हैं तो 10 की पावर -12 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को मिलती है, ठीक है। सर शुड साइंटिस्ट बी रिमेम्बर्ड फॉर द एग्जामिनेशन? नहीं बेटा, साइंटिस्ट लोगों को आप रिमेम्बर करेंगे बायोलॉजी के लिए ना, बायो के अंदर उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो दैट पार्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, साइंटिस्ट लोगों को जहां आपको रिमेम्बर करना है जिस चैप्टर में, वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। वो चैप्टर आएगा मॉडर्न, उसकी क्लास जो है वो कल आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो कल वाली क्लास के अंदर मॉडर्न वाला पार्ट आएगा, आपको एकदम जोरदार वाला मजा आ जाएगा, ठीक है। तो देख, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बेटा शुरुआती फोर्स से करते हैं और सीधे करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर आ गया। इन्होंने कोई मतलब अभी तक हमारे को कोई मतलब कोई लॉ वगैरह नहीं बताया है, कुछ भी नहीं बताया है, बस सीधे लॉरेंट्स फोर्स के साथ में एंट्री मार के आगे बढ़ा दिया गया है। और देखिए, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात आ गई, सीधे करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे हम लोग प्यार से सीसीसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका बेटा सीधे सीधे फॉर्मूला याद रख, कोई फालतू का दिमाग मत लगाना, सीधे सीधे फॉर्मूला याद रख, ये कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं देखना है आपको, स्किप स्किप स्किप, सीधे वाले फॉर्मूले को याद रखो, IDL क्रॉस B, ठीक है। इसे प्यार से कैसे लिखना सिखाया था बेटा आपको, I मल्टीप्लाइड बाई DL क्रॉस B। DL जो है बेटा वो लेंथ होती है, B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, और I जो है बेटा वो आपने करंट जैसा बाहर रखा है उस वाले करंट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ठीक है ना, ओके गाइस, व्हाट आर थर्मल न्यूट्रॉन्स? अभी कहाँ से थर्मल न्यूट्रॉन्स की कहानी आ गई वैभव कंबाड़े जी, हैं ये कहाँ से आ गई अभी तेरे दिमाग में? हैं भाई, फिजन फ्यूजन की कहानियों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं बेटा। थर्मल न्यूट्रॉन वाला न्यूट्रॉन था जिसको अपन ने फेंक कर मारा था, किसके ऊपर? अपने फिजनेबल मटेरियल के ऊपर, जिससे कि फिजन जो है वो शुरू हो गया था, समझ गए? तो ये वहां की बातें यहाँ क्यों कर रहे हो? अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, तब बात करेंगे बच्चे, ठीक है। अब देख बेटा, मोशन है ना मैग्नेटिक फील्ड की बात की, किसकी बात की? मोशन है ना मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोगों ने बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर दिया और उसके अंदर पार्टिकल्स को छोड़ दिया। तो पार्टिकल्स किस तरह का मोशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे मान ले क्यू चार्ज है, उसको तुमने यहाँ पर वेलोसिटी देके छोड़ दिया है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही है बेटा? अंदर की तरफ, जैसा कि क्रॉस के थ्रू आपको बताया गया है,
ठीक है, तो देख अगर वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो तूने वी की डायरेक्शन में अपने हाथ को किया, बी की डायरेक्शन में हाथ को घुमाया, फोर्स आ गया बेटा ऊपर आ गया, जैसा कि साफ साफ आपको नजर आ रहा है। ये जो बेटा आप लोगों का फोर्स ऊपर को आया, इसके कारण क्या होता है ना, जिस भी पॉइंट पर आप लोग होते हो है ना, वी और बी जब आप लोग देखते जाते हो तो फोर्स की जो डायरेक्शन है ना बेटा, वो उसी हिसाब से हर बार कहाँ होती जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ होती जाती है, विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसी कारण से आप जब भी बेटा एक चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ते हो, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ते हो, तो वो भाई साहब क्या कर लेते हैं, वो मस्त एकदम गोले के अंदर घूमने लग जाता है। किसमें घूमने लग जाता है, वो गोल गोल घूमने लग जाता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना जोरदार फिनोमिनल है, हमने नहीं बनाई थी ये सब चीजें, ये अपने आप दुनिया में एग्जिस्ट कर रही थी। मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की जो कहानी है बेटा, दुनिया में एग्जिस्ट कर रही थी, हमें नहीं पता था, हमने तो बस ऑब्जर्व किया कि ऐसा होता है। और फिर जब साइंटिस्ट लोगों ने इन सब चीजों को देखा कि यार ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब जब उन्होंने निकालने की कोशिश की, तो देखा यार इससे तो अपन लोग बहुत सारी फिजिक्स की चीजों को समझा सकते हैं, इससे तो अपन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये सब चीजें जब पता लगी तो हमें मजा आया। तो ये देख, इसके ऊपर फोर्स हमने लगा रखी है बढ़िया एकदम, और सारी की सारी चीजें कर रखी है। ठीक है, द पार्टिकल विल डिस्क्राइब अ सर्कल इफ वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू। गॉड ब्लेस मी, है ना। ठीक है गाइस, ये कंडीशन जो है बेटा यहाँ पर हो रही होती है। ठीक है, इफ वेलोसिटी हैज अ कंपोनेंट अलोंग विद दिस कंपोनेंट रिमेंस अनचेंज्ड एज द मोशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, द मोशन इज देयरफॉर हेलिकल मोशन। अगर मान ले बेटा तेरे पास में तू इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दे, क्या लगा दे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दे, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देगा तो कहानी विल चेंज। उसके अंदर बेटा तेरा क्यूई भी लगने लगेगा और उसके अंदर तुम्हारा जो बेटा क्यू वी क्रॉस बी है वो भी लगने लगेगा। तो अगर बेटा दोनों की दोनों चीजें लगने लगेंगी तो कहानी चेंज कैसे हो जाएगी बेटा, आपकी जो पाथ है वो हेलिकल हो जाएगी। आपकी जो पाथ है वो कैसे हो जाएगी बेटा, हेलिकल। अपन जादू करते थे ना बचपन में, ऐसे ऐसे छड़ी घुमा के, हैरी पॉटर में देखा होगा तुमने विंगार्डियम लेवियोसा है। अच्छा तुमने हिंदी में देखी थी, हिंदी में तुमने वो देखी होगी निरस्त्र भवः, देखी। हाँ, तो वो जादू ऐसे छड़ी घुमा के करते थे ना, तो वैसे ही ये वाला जो जादू है आप लोगों को फिगर स्केटिंग वगैरह जो होती है, इसके अलावा आइस स्केटिंग के जो इवेंट्स होते हैं ओलंपिक्स वगैरह में, उनमें ये सब चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसी हीलिक्स बनती है, क्या बनती है बेटा, हीलिक्स बनती है, ऐसे और आपकी तरफ बढ़ती रहती है, इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं। कैसी बात बोलते हैं बेटा, हेलिकल पाथ बोलते हैं, जो हमें यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा देख ले बेटा ये वाला फॉर्मूला, ये एकदम जबरदस्त तरीके से याद रखना है, किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। जो बेटा सर्कल हम लोगों का बन रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को छोड़ते हैं, तो उसका जो रेडियस है वो एम वी अपॉन क्यू बी होता है। क्या होता है बेटा, एम वी अपॉन क्यू बी होता है। सर इंग्लिश में भी देखी थी, बेइज्जती कर रहे हो। हाँ और क्या, इतनी बेइज्जती तो चलती है यार, उसमें क्या हो गया। ठीक है, हेलो ए कार्तिक, कार्तिक हेलो पारुल, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। ठीक है सर, आपका मंत्र क्या है फिजिक्स का। मेरा मंत्र क्या है फिजिक्स का, मेरा कोई मंत्र नहीं है, मेरा मंत्र एक ही है बेटा, हार्ड वर्क एंड पढ़ाई। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, दैट्स इट। और कोई हार्ड मतलब देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, ये वाली चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, मैंने पूरी नॉवल पढ़ी है बेटा, मेरा भी पूरा जो नॉवल है वो पहला नॉवल मैंने हैरी पॉटर ही पढ़ा था, और पहले वो भी सीधे पार्ट नंबर 5, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। इसके कारण मेरे को पहले 4 पार्ट पढ़ने पड़े और उसके बाद मैंने 6 पार्ट का इंतजार किया। तो ऐसे कहानी हुई थी मेरी हैरी पॉटर के पास, साथ में ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स आया था 5th पार्ट, मेरे को अभी भी याद है। वो मेरी लाइफ की पहली पहली नॉवल थी बेटा जो मैंने पढ़ी थी, ऑल्दो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बट यस आई कुड रीड, एंड दैट आप ऐसा समझ लो मैंने 2 दिन में 5th पार्ट को पढ़ा था, इतना मोटा सा आया था पहला पहला। और उसको पढ़ने के बाद में फिर है ना ऐसा इंटरेस्ट आया कि मैंने उसके बाद अगले 7-8 दिन के अंदर ही पहले 4 पार्ट पढ़ लिए और फिर 6 पार्ट का इंतजार करने लगे, हाफ ब्लड प्रिंस कब आएगा, हाफ ब्लड प्रिंस कब आएगा एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, वो पढ़ने के बाद में फिर 7वें पार्ट का इंतजार करने लगे, डेथली हॉलोज कब आएगा, डेथली हॉलोज कब आएगा। फिर उसके अंदर तो देखो बेटा सब कुछ खत्म ही हो गया, पर एनीवेज आई एम अ डाई हार्ड पॉटर हेड। ठीक है, इसी तरह से बेटा अगर आप लोग आर निकाल सकते हैं तो वी इक्वल्स टू आर ओमेगा करके आप लोग ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और बेटा अगर आप ओमेगा निकाल सकते हैं तो आप लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, जो क्या होता है बेटा 2π / ओमेगा। ओमेगा निकाल सकते हो तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, तो आप लोग बहुत सारी वैल्यूज में बेटा वो यहाँ से निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच सोनल, है ना। सर आप फिजिक्स के टीचर हो और आपका नॉवल लिटरेचर पढ़ते हो, बेटा आई हैव अराउंड 300-400 नॉवल्स विद मी। कभी मौका मिलेगा आप लोगों को दिखाऊंगा, मेरे पास में पूरा कलेक्शन ऑफ नॉवल्स है, मेरे पास में पूरा कलेक्शन ऑफ बुक्स है फिजिक्स की, ऐसी ऐसी बुक्स जो शायद किसी और के पास ना हो, इस तरह की बुक्स है मेरे पास में। तो आई हैव मेनी 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 स्टफ विद मी, मैं पढ़ता रहता हूँ, बिना पढ़े बेटा मेरा जिंदगी जो है वो मतलब अधूरी अधूरी सी हो जाती है। मेरे साइड में ही रखी हुई है, इधर पूरी की पूरी अलमारी नॉवल्स से और किताबों से भरी हुई है, और मेरे इस साइड वाली अलमारी फिर मेरी पूरी की पूरी किताबों से भरी हुई है।
क्लास के अंदर भी आप लोग देखना, स्पेशल क्लास में मेरा जो बैकग्राउंड है बेटा वो यही होता है, ठीक है? ऑलराइट, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या लिखी है, 2 पाई f लिखी है। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं ओमेगा भी, और ये r इक्वल्स टू mv / 2 भी हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे निकाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ से देखिए हम लोगों ने पिच की वैल्यू भी निकाल रखी है, डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच। तो पिच की वैल्यू क्या होगी इधर पास में, p इक्वल्स टू v पैरेलल इनटू t। v पैरेलल जो है बेटा वो कंपोनेंट करके आप लोगों को पता लग गया कि आखिर कंपोनेंट करने से कितना आएगा, ठीक है? सर लिसनिंग क्लासेस और गेटिंग रिवीजन इज नेसेसरी फॉर द लास्ट वीक, यस बेटा वेरी मच नेसेसरी, इसी तो बोल रहा हूँ, है ना? फिजिक्स के टीचर अब फिजिक्स ही थोड़ी ना पढ़ेंगे, और क्या सर कब दिखाओगे? पेपर के बाद तो आपसे मिलना नहीं होगा। मिलना क्यों नहीं होगा बेटा, मैं तो यही रहूंगा, आना कभी कभी आना तुम मेरी गली, और क्या उसमें क्या हो गया, आई बी देयर, मैं यही कोटा रहूंगा, जब सेलेक्ट हो जाओ बेटा तो मेरे पास आना मुझसे मिलना, उसमें क्या हुआ, मैं कोटा में हूँ, अपना एड्रेस वेड्रेस दे दूंगा तुम्हें, जरूर से मिलना आइएगा, ठीक है? अब देख हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा बोरियोलिस बेटा वो चीज है जिससे मैं देखना चाहता हूँ, मेरे जीवन की एक तमन्ना है कि भाई मैं इस वाली चीज को देखूं जाके लाइव अपनी आंखों के सामने, ठीक है? ऑरोरा बोरियोलिस बेटा वही चीज है जो मैं देखना चाहता हूँ, इसको बेटा नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से भी जानते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक है? आप लोग सर्च करना नॉर्दर्न लाइट्स क्या है, नॉर्वे वगैरह से एकदम क्लियरली नजर आती हैं, अलास्का वगैरह से बहुत क्लियरली नजर आती हैं एंड एवरीथिंग, तो यू विल नो व्हाट इज ऑरोरा बोरियोलिस। अभी सर्च मत करना, 13 तारीख के बाद सर्च करना, मैं जरूर जाना चाहता हूँ बच्चों, प्रे करो कि मैं एक दिन ऑरोरा बोरियोलिस देखने जा पाऊँ, बहुत दिली तमन्ना है यार ये जाने की, मतलब वो होती है ना चेकलिस्ट, चेकलिस्ट होती है ना लाइफ की, बकेट लिस्ट जो होती है, ये बकेट लिस्ट के अंदर नंबर वन पे यही है। बहुत सारी चीजें कर चुका हूँ, जैसे मैं दुनिया के फास्टेस्ट रोलर कोस्टर पर बैठ चुका हूँ, हाईएस्ट रोलर कोस्टर पर बैठ चुका हूँ, इसके अलावा मैं स्काई डाइविंग कर चुका हूँ, पैराग्लाइडिंग कर चुका हूँ, बंगी जंपिंग कर चुका हूँ, और अगर देखा जाए तो मतलब दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर जा चुका हूँ, रॉकेट लिफ्ट में बैठ चुका हूँ, ठीक है? सर मेरे भी साथ में गए, हाँ गया, हाँ वही तो मतलब मेरे को यार अब यहाँ पर और जाना है, नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है, मैं नहीं जानता, मेरे को देखनी है, देखनी है, हाँ मेरे को देखनी है, इतनी सी बात, ठीक है? ऑरोरा क्यों होता है सर, साइंटिफिकली एक्सप्लेन बताओ बेटा, सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, खूब बताएंगे इसके बारे में, ठीक है? आयनोस्फेरिकल जो हमारी जितनी भी लेयर्स होती है ना उनके अंदर क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वगैरह का खेल है, और ठीक है लिखा हुआ ना, देख ड्यूरिंग अ सोलर फ्लेयर अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम गेट ट्रैप्ड इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मूव इन हेलिकल पाथ्स अलोंग द फील्ड लाइन्स, फील्ड लाइन्स कम क्लोजर टू द टू ईच अदर नियर द मैग्नेटिक पोल्स, और हेंस द डेंसिटी ऑफ चार्ज इंक्रीजेस नियर द पोल, these particles collide with atoms and molecules of the atmosphere, excited oxygen atoms emit green light, excited nitrogen atoms emit pink light, this is called aurora borealis in physics, ठीक है? For sure करिए बेटा, for sure, ठीक है? It is required for me to go there यार, और वैसे भी अभी lockdown के अंदर घर पे बैठे बैठे अब मेरे को निकलना है बाहर भाई, थोड़े दिन 10-15 दिन जाऊंगा बढ़िया नॉर्वे और भी घूम कर आऊंगा एकदम मजे से, aurora borealis देख कर आऊंगा, ठीक है? अब देख बेटा जब आपके पास में कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाती है, तो हम लोगों ने फोर्स क्या पढ़ी थी बेटा, क्यू ई और वी क्रॉस बी, मतलब क्यू ई भी आ गई और साथ में क्या आ गई बेटा, क्यू वी क्रॉस बी हो गई, ठीक है? हाँ ऐसा समझ ले बेटा, आखिरी इच्छा तो नहीं बोलूंगा पर हाँ इच्छा है, आखिरी क्यों है भाई, इच्छाएं कोई खत्म थोड़ी ना करनी चाहिए, है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि आखिरी इच्छा है मेरी, ठीक है? इट इज वन ऑफ माई विशेस, वन ऑफ माई विशेस, मरने से पहले आपकी आखिरी इच्छा है, बेवकूफ टाइप के लोग, ठीक है? हाइट्स ऑफ बेवकूफी, खुश रहिए ऑप्टिमस प्राइम, ठीक है? तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप लोगों को बेटा जे कैप में दे रखी है, बी की वैल्यू अगर आपको बाहर बी इक्वल्स टू बी के कैप दे रखी है, और वेलोसिटी आपको बेटा आई कैप के अंदर दे दी गई है, तो इस तरफ तो आपको फेंका गया है, इस तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बेटा जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है बेटा, बाहर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डॉट है, तो हम लोग क्यू ई लिखेंगे, क्यू वी क्रॉस बी लिखेंगे, जिसके कारण हम लोगों को जो फोर्स है उसकी वैल्यू साफ साफ यहाँ पर दिख रही है। तो दस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये जो बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपकी क्यू ई और मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो आ जाती है, अगर हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या करते हैं ना, वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ ई एंड बी सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू आर इक्वल, मतलब देख क्यू ई तो तेरी लग गई बेटा ऊपर को, ठीक है, और नीचे को क्या लग गई तेरी बेटा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इसको ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि जो वैल्यू है ये बराबर हो जाए, और जैसे ये वैल्यू बराबर होती है तो आपके पार्टिकल का नेट फोर्स क्या हो जाती है, जीरो, ठीक है? तो आपके पार्टिकल पे जो नेट फोर्स जीरो हो जाती है, इसके कारण आपका जो चार्ज पार्टिकल है ना वो अनडिफ्लेक्टेड मूव करने लगता है। कैसे मूव करता है, अनडिफ्लेक्टेड, ये वाली लाइन को बढ़िया से पढ़ लेना इस वाले पार्ट को, ठीक है? देन टोटल फोर्स ऑन द चार्ज इज जीरो एंड द चार्ज विल मूव इन द फील्ड्स अनडिफ्लेक्टेड, दिस हैपेंस व्हेन क्यू इक्वल्स टू क्यू वी बी,
और v इक्वल्स टू ई बाय वी। बेटा इसी को हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। और बेटा ये वो सर्किट होता है या ये वो सेटअप होता है जिस सेटअप से हम लोग चीजों को अलग करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेटर्स वगैरह होते हैं, मैग्नेटिक सेपरेटर से ही हम लोग जो चीजों को बेटा अलग करते हैं वो ये वेलोसिटी सिलेक्टर सर्किट होता है। तो हर चीज जो है ना वो अलग अलग जगह से इस तरह से बाहर आती रहती है। तो आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी का उसके अंदर बहुत रोल है, और आपके वेलोसिटी सिलेक्टर सर्किट्स का भी है ना बेटा बहुत बड़ा रोल होता है। द कंडीशन कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी आउट ऑफ अ बीम कंटेनिंग चार्जेस मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी सिलेक्टर। ओनली पार्टिकल्स विद स्पीड ई बाय बी पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द रीजन ऑफ क्रॉस्ड फील्ड्स। दिस मेथड वाज एम्प्लॉयड बाय जेजे थॉमसन इन 1897 टू मेजर द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा कितने खतरनाक लोग हुआ करते हैं। ठीक है, इन्होंने ये वाली फिजिक्स बनाई थी, हम तो बस पढ़ रहे हैं। जेजे थॉमसन साहब बहुत खतरनाक थे, प्लम पुडिंग मॉडल भी इन्होंने ही दिया था अगर तुम्हें याद हो, नोबेल प्राइज वगैरह भी मिला था। ठीक है ना, प्रिंसिपल इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस दैट सेपरेट्स चार्ज पार्टिकल्स यूजुअली आयंस अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज मास रेशियो। ई बाय एम रेशो का खेल है जो तुम लोग केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारा पढ़ते हो। ठीक है, अब बेटा देख साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन जो है बेटा, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग वगैरह अब आप लोगों को नहीं पढ़नी है। वर्किंग जो है वो अगर आप बोर्ड में होते तो मैं पूरी आप लोगों को वर्किंग वगैरह बताता, इट इज ऑफ नो यूज राइट नाउ। बस ये पता होना चाहिए कि भाई इसको इन्वेंट किसने किया था, ईओ लॉरेंस और एम एस लिविंगस्टोन ने इसको इन्वेंट किया था। तो बस अंडरलाइन कर लो, ऐसा नाम सुना हुआ होगा, ऑप्शन में आएगा तो आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, डन, ऑल राइट। अब इसके अंदर जो आपके सबसे काम की चीज है, सबसे पहले तो टाइम पीरियड जो हम लोग निकालते हैं, टी की वैल्यू क्या होती है, ये बात ध्यान रखना, 2πm/qb, वहीं से आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी वाले फॉर्मुलेशन से हम लोग यहाँ पर आते हैं। और बेटा जो हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं क्यू बी अपॉन 2πm। ये वाली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं बच्चों हम लोग इसे, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ये वाली पार्ट को समझ लो, ये वाला पार्ट थोड़ी सी लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ऑपरेशन ऑफ अ साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ एन आयन is independent of its speed or radius of its orbit। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। अब असली में जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है ना वो यही होता है, साइक्लोट्रॉन इज बेसिकली अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। अब आप इसको कितना बड़ा बनाते हो ये आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, एक पार्टिकल एक्सेलरेटर अगर आप लोगों को पता हो तो सन के अंदर एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, पूरे शहर के नीचे करीब करीब बिछा हुआ है, टनल है बहुत बड़ी, जिससे वो वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा है LHC, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, अगर आप लोगों ने सुना हो। हाँ, मशीन, दुनिया खत्म करने वाली मशीन जो इंडिया टीवी के ऊपर आया था अगर तुम्हें याद हो तो, है ना, तो महामशीन, इसके ऊपर एक पूरी की पूरी नॉवल है बेटा डैन ब्राउन की। डैन ब्राउन ने एक नॉवल लिखी थी, खाली नॉवल का नाम था बेटा एंजल्स एंड डेमन्स। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो इस वाली नॉवल को पढ़ के देखना, मूवी में मजा नहीं आएगा, नॉवल को पढ़ के देखना। इस वाली नॉवल के अंदर ऐसा बताया है के दे क्रिएटेड समथिंग फ्रॉम नथिंग। सोच के देख, अपन ने क्या पढ़ा है बेटा, अपन ने पढ़ा है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, बट इस नॉवल के अंदर दे क्रिएटेड समथिंग फ्रॉम नथिंग। और क्योंकि बेटा समथिंग फ्रॉम नथिंग क्रिएट हो गया, क्योंकि क्या हो गया बेटा, समथिंग फ्रॉम नथिंग जो है बेटा वो क्रिएट हो गया, तो ये समथिंग जो थी ना ये बहुत ही एक्सप्लोसिव थी और ये चोरी हो जाती है, इस तरह की कहानी है, बहुत जोरदार जोरदार चीज है। ठीक है, यस सर मैंने पढ़ी है, दैट्स ग्रेट, मैटर जो है वो बना लिया है। अब भी रिसेंट कल या परसों की ही न्यूज के अंदर था ये, ऑल्दो आप लोग इस तरह की न्यूज से अनभिज्ञ रहते हैं, आप लोगों को ये सब न्यूज जो है बेटा वो पता नहीं चलती है। ठीक है, पर एनीवेज मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, बायो सेवर्ट लॉ। अब बायो सेवर्ट लॉ के बारे में आई है। ठीक है, और बायो सेवर्ट लॉ के अंदर क्या हुआ बेटा, आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस डायरेक्शन देखना आना चाहिए। जैसे मान लो बेटा करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस करंट एलिमेंट मान लो यहाँ पे आपने डीएल एलिमेंट ले लिया और इस वाले पी पॉइंट के ऊपर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, तो आपको पाम रूल अप्लाई करना है। आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है बेटा, पाम रूल अप्लाई करना है। समझ क्यों नहीं आया लास्ट में,
आराम से तो हो जाता है। पाम रूल अप्लाई करना है तो उल्टा डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में आप लोग क्या कर लो, उल्टा अपने हाथ को फैला लो, और अपने हाथ को फैलाने के बाद में क्या करो, जहां पॉइंट है उस वाले पॉइंट की तरफ आप उंगलियों को फैला लो। वाले पॉइंट की तरफ किसको फैला लो बेटा, आप लोग उंगलियों को फैला लो, पॉइंट की तरफ उंगलियों को फैला के अपने पाम से पुश करो। जिधर आप लोग पुश करते हैं बेटा, वही किसकी डायरेक्शन होती है, आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अंगूठा जो है वो उस तरफ ले लिया जहां पे करंट फ्लो कर रहा था, तो मेरे अंगूठे की डायरेक्शन तो बेटा ये हो गई। उंगलियां जो है मैंने पी पॉइंट की तरफ जो है बेटा वो पॉइंट कर ली। उंगलियां मैंने किस तरफ पॉइंट कर ली बेटा, उंगलियां जो है वो मैंने पी पॉइंट की तरफ पॉइंट कर ली, और फिर मेरा जो पाम था इस वाले पाम से अंदर की तरफ पुश किया। हाँ, मेरे पाम के पुश की डायरेक्शन होती है, वही किसकी डायरेक्शन होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और इसलिए इस डायरेक्शन में बी जो है वो अंदर की तरफ आ गई। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये म्यू नॉट लिखा है बेटा, अल्फा नॉट नहीं है, क्या लिखा है बेटा, म्यू नॉट लिखा हुआ है, ये अल्फा नॉट हो गया है एनसीईआरटी के अंदर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है उसकी वैल्यू 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है। ठीक है, और इस म्यू नॉट को अपन लोग परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम भी बोलते हैं। वहां परमिटिविटी आता था एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कौन आता है बेटा, परमीएबिलिटी आता है। ठीक है, द बायो सेवर्ट लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड हैज सर्टेन सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस विद द कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब ये वाली चीज पढ़ लो, ये बहुत जरूरी है, ये वाले जो 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट दिए हुए हैं, दीस पॉइंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज हैव अ लुक एट दीस पॉइंट्स। ठीक है, जल्दी से यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ना बेटा, वो यहीं से बनते हैं। तो इन वाले चारों पॉइंट्स को ढंग से पढ़ेंगे, जो सिमिलैरिटीज के बारे में और डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, एवरीवन ध्यान देंगे, बोथ आर लॉन्ग रेंज, दोनों लॉन्ग रेंज होती है, सिंस बोथ डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। यहाँ पर भी बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो चल रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज टू बोथ फील्ड्स, दोनों पे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है बेटा वो अप्लाई होता है। ठीक है, डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय स्केलर सोर्स यानी कि चार्ज, ठीक है, नेमली द इलेक्ट्रिक चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय वेक्टर सोर्स यानी कि करंट मल्टीप्लाइड बाय डीएल वेक्टर, तो आई डीएल, डीएल वेक्टर है। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा इस वाली बात को, तो ये डिफरेंस हो गया, ये क्या हो गया आपके आज में डिफरेंस हो गया। 13 सितंबर तक सारे चैप्टर कर देंगे क्या, बिल्कुल बेटा, इसीलिए तो करा रहा हूँ, और क्या, दो किताबें तो कर भी चुके, आज थर्ड बुक है, कल से हमारी फोर्थ बुक चालू हो जाएगी, दो क्लास और लगेगी सारा खत्म, दो क्लास और लगेगी सारा खत्म, टुडे सेशन नंबर 7, 9 क्लासों के अंदर सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट आइडियल। ठीक है, ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, आपने क्या कोटा आफ्टर कोरोना वाला वीलॉग देखा है बेटा, अभी तो नहीं देखा है, आप जरूर देखिएगा, मेरे को लिंक भेजिएगा। तो देखो भाई, देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन द बायो सेवर्ट लॉ व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक केस। बायो सेवर्ट लॉ के अंदर एंगल की डिपेंडेंसी होती है ना, डीएल क्रॉस आर लिखता है ना अपन लोग, तो यहाँ पे वो साइन थीटा वाली जो टर्म है वो आ जाती है, आर डीएल साइन थीटा। ठीक है, हाँ यही तो लिखते हैं, म्यू नॉट इनटू ये आई डीएल साइन थीटा, यही तो लिखता है ना, तो ये डीएल क्रॉस आर जो अपन लिखते हैं उसके कारण यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा, एक डिपेंडेंसी किसकी आ जाती है, एंगल की डिपेंडेंसी आ जाती है कि आपको एंगल क्या लेना है, वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर हम लोगों को किसी प्रकार की कोई एंगल वेंगल की जो जरूरत है बेटा वो नहीं पड़ती है, सीधे हम लोग K Q1 Q2 R² जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं जब फोर्स निकालने जाते हैं। ठीक है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक केस, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल, उसी डायरेक्शन में अगर आप पॉइंट ले लेंगे बेटा, साइन थीटा में थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी और साइन जीरो जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अलोंग दिस लाइन थीटा इज जीरो, साइन थीटा इज जीरो। ठीक है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बेटा, ये जो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन है वो बहुत ही जोरदार होता है, इस वाले रिलेशन से ही हम लोग असली में स्पीड ऑफ लाइट निकालते हैं, ये रिलेशन पता होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 सितारे बना लेना है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आशा कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी लेकर बैठे होंगे जब आप लोग ये वाली क्लास जो है वो अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट को मल्टीप्लाई किया, तो देख 4 पाई 4 पाई कट गए। ठीक है, तेरे पास क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बच गया। ठीक है, तो इनकी वैल्यू डाल दे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, 1/9 × 10^9, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो गया, 10^-7। सॉल्व करेगा तो देख 3 × 10^8 का स्क्वायर आ जाएगा, तो बेसिकली जो सी की वैल्यू है वो बेटा यहीं से निकल के आती है, सी की जो वैल्यू है वो असल में यहीं से निकल के आती है, जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, इसीलिए सी को क्या बोलते हैं, अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वाली जो वैल्यू है वो यहीं से आती है। ठीक है, सिंस द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कॉन्स्टेंट द प्रोडक्ट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज फिक्स्ड इन मैग्नीट्यूड चूजिंग द वैल्यू ऑफ आइदर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट फिक्सेस द वैल्यू ऑफ द अदर इन एसआई यूनिट्स म्यू नॉट इज फिक्स्ड है ना वी इक्वल टू 4.2×10⁻¹ इन मैग्नीट्यूड। ये वाली वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए, जितनी ज्यादा पता होंगी उतना उतना फायदा बहुत सारा मचा। ठीक है, ऑलराइट, हमारे मकोड़े भाई ने चलना बंद कर दिया है तो मैं जल्दी से इसको वापस से शुरू करूंगा। ठीक है, आ जाओ भाई आ जाओ, जल्दी से इसको बंद करेंगे और वापस से शुरू करेंगे। पेज नंबर 149 पे आना है हम लोगों को, आ जाइए पेज नंबर 149 पे आ जाइए। आज बहुत सारे पेज पढ़ते हैं भाई साहब, तैयारी के साथ है ना, खाना वाना यही मिलेगा बेटा आज सब। ठीक है, हाँ आज मास्टर यहीं पर खाना खिलाने वाला है बेटा, बहुत जोरदार तरीके से। तो चलो भाई, सबसे पहली बात जब यहाँ पर आई बेटा तो वो किसकी आई, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट फ्लो। तो बेटा बिल्कुल भी आप लोगों को डेरिवेशन की तरफ ध्यान नहीं देना है, सीधे जो बेटा रिजल्ट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं रिजल्ट के ऊपर आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी देखो जल्दी जल्दी देखो, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपके पास में अब आप लोगों को दिखेगा। ये हमारा जो है बेटा ये रिजल्ट लिखा हुआ है, प्लीज लुक एट दिस रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट, ये बेटा म्यू नॉट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया है। फिर जब इसको और अपन लोग सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू जीरो जीरो कर देते हैं एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाती है एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में। ये देखिए सर्कुलर लूप के लिए ये कंडीशन जो है बेटा वो आपकी बना दी गई है। एज अ स्पेशल केस ऑफ द अबव रिजल्ट वी मे ऑब्टेन द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, हियर एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड वी ऑब्टेन दिस। बेटा जैसे ही एक्स की वैल्यू जीरो या सेंटर पे लिखने की बात आती है तो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, डन। ऑल राइट बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने की चीजें आपको बहुत सारी सिखाई गई हैं मैग्नेटिज्म की क्लास में। सर कल रात की क्लास में बहुत मजा आया अनअकैडमी वाली। अरे हाँ रविंद्र, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी तरह से आज बेटा वो वाली क्लास 2 बजे भी लगाई है मैंने, उसका डेरिवेशन हार्ड है, नो डाउट बेटा हार्ड है, अभी करना भी नहीं है। ठीक है, हाँ तो ध्यान रखें, आज मैंने 2 PM पर स्पेशल क्लास लगा रखी है, आई हैव अ 2 PM स्पेशल क्लास। तो इस वाली क्लास के अंदर आप लोग सभी आए, इसके अंदर बेटा हम लोग एनटीए के जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं बेटा ये आप लोगों के नीट के भी हैं और ये वाले क्वेश्चंस आपके जेई के भी हैं। ठीक है, कुछ टफ क्वेश्चंस, कुछ इजी क्वेश्चंस और कुछ एवरेज क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन करके हम लोगों ने इन वाले टेस्ट को बनाया है, तो 2 बजे वाली जो स्पेशल क्लास है उसमें जरूर है। ठीक है, ऑलराइट एवरीवन, चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी देख लो। एम्पियर सर्किटल लॉ किसके ऊपर आ गया अपन लोग, एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर आ गए हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें क्या बोलता है बेटा, ये मतलब देयर इज एन अल्टरनेटिव एंड अपीलिंग वे इन व्हिच द बायो सेवर्ट लॉ मे बी एक्सप्रेस। एम्पियर सर्किटल लॉ कंसीडर्स एन ओपन सरफेस, जैसे गॉसियन सरफेस मानते थे, यहाँ पे अपन एम्पीरियन लूप मान के चलते हैं। ठीक है सर, ये कौन सा पेज खुला है बेटा, दिस इज पेज नंबर 151, we are at page number 151 right now. ठीक है, जी हाँ, we are at page number 151. ठीक है ना, open surface with a boundary, the surface has current passing through it, if we consider the boundary to be made up of a number of small line elements. आप लोग देख सकते हैं बेटा अपन लोगों ने इस तरह से जो करंट बह रहा था उसके अंदर एक लूप मान लिया, एक सरफेस मान लिया है। ठीक है, उस सरफेस के हिसाब से सारी की सारी चीजें जो है बेटा वो लिखी गई हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ऑल सच प्रोडक्ट्स आर एडेड टुगेदर, we consider the limit as the length of elements gets smaller and their number gets larger. The sum then tends to an integral. Ampere's law states that this integral is equal to mu naught times the total current passing through the surface. जैसे वहाँ पर होता था integral E dot dl, है ना, यहाँ पर क्या हो गया integral B dot dl is equal to mu naught into I. तो इस वाले फॉर्मूले को सब लोग याद रखेंगे। ये अल्फा नॉट हो रहा है, पूरी NCERT के अंदर ही गड़बड़ है बेटा। ठीक है, हाँ ध्यान रखिए ध्यान रखिए। ठीक है ना, हाँ चलो, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यहाँ पर फॉर सेवरल एप्लीकेशंस अ मच सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस इक्वेशन इज यूज्ड, इसको अपन लोग एम्पीरियन लूप बोलते हैं। ये सब चीजें लिखी हुई हैं, अब इनको समझने का कोई सेंस नहीं है कि मैं अभी आपको पूरा पूरा समझाऊं, आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा वो मैं आप लोगों को जल्दी से बता रहा हूँ। ठीक है, डन, ऑल राइट देखो, वेन देर इज अ सिस्टम विद अ सिमेट्री सच एज फॉर अ स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, The Ampere's law enables an easy evaluation of the magnetic field. तो अपन लोग क्या करते हैं, ऐसे वायर ऐसे दिया हुआ है, तो अपन एम्पीरियन लूप ऐसे गोल गोल बना लेते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप, जैसे अपन लोग वहाँ गॉसियन सरफेस मानते थे बेटा, वैसे ही अपन लोग यहाँ पर भी इस वाली चीज को ले लेते हैं। ठीक है,
सर पास में भंडारा है, आप भी आके खाओ। बिल्कुल बेटा, भंडारे में तो जरूर आएंगे, है ना? भंडारे में तो जरूर आएंगे, उसमें बात ही क्या है बेटा, बिल्कुल आना पड़ेगा भंडारे में तो, उसमें क्या हो। ठीक है, ऑल राइट। तो देखिए बेटा, दिस इज एग्जिबिटेड इन द एग्जाम्पल 4.8। तो आ जाओ जल्दी से देख लेते हैं 4.8। 4.8 कहाँ दिखा रखा है एग्जाम्पल, 4.8 कहाँ गया, ऊपर दिया हुआ है क्या? चलो भाई ऊपर चल के देख लेते हैं उसको, आपको लूप जो है बेटा वो समझ में आ जाए। 4.8, 4.8 भाई साहब कहाँ चले गए? एग्जाम्पल 4.8 जल्दी से देख जाओ भाई, एग्जाम्पल 4.8 कहाँ गया? एग्जाम्पल 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 कहाँ मिलेगा एग्जाम्पल? ये तो अपन बहुत ऊपर आ गए, इतनी ऊपर तो आना ही नहीं था। ठीक है, एग्जाम्पल 4.8। चल कोई बात नहीं ना, तेरे को पता तो है ही ना क्या करना है। एग्जाम्पल हाँ ये रहा 4.8। तो देखिए ये मैंने क्या बना लिया है, देखिए सर्कल बना रखा है, दिख रहा है ना तेरे को? ठीक है, तो ये वही है बेटा। ठीक है, एक बार क्या लेते हैं बेटा, आर ग्रेटर देन ए लेते हैं, एक बार आर लेस देन ए लेते हैं, एक बार बराबर वाला केस लेते हैं। तो सारी की सारी वैल्यूज जो है हम लोग को निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ इसके अंदर अपन लोगों ने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मान लिया है विद क्रॉस सेक्शन फॉर दिस लूप, एल की वैल्यू 2 बाय आर हो गई, सॉल्व कर लिया तो हमारे पास में आंसर। ठीक है, तो इजी इजी पार्ट होता है बेटा ये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको तो डायरेक्ट जो है ना बेटा वो रिजल्ट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए आपको? रिजल्ट याद होना चाहिए, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, डायरेक्ट डायरेक्ट आई। ठीक है, कैसे आई बेटा? डायरेक्ट डायरेक्ट आई। राइट, डन, ओके एवरीवन। चलो आ जाओ आगे की कहानी, आगे देख। इट इम्प्लाइज दैट विल फील दैट एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इज सेम इन मैग्नीट्यूड। इन अदर वर्ड्स, अ मैग्नेटिक फील्ड पजेसेस व्हाट इज कॉल्ड अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री पजेस करती है वो? सिलेंड्रिकल सिमेट्री पजेस करती है। द फील्ड दैट नॉर्मली कैन डिपेंड ऑन थ्री कोऑर्डिनेट्स डिपेंड्स ओनली ऑन वन, व्हेन एवर देयर इज सिमेट्री द सॉल्यूशन सिंपलीफाई। तो इसीलिए हम लोग जब एम्पीरियन लूप वगैरह लगाते हैं ना बेटा, ठीक है, इसीलिए जब हम लोग एम्पीरियन लूप वगैरह बनाते हैं तो हाईली सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए ही उनको यूज करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये वाली बात ध्यान रखिए। ठीक है, द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज टेंजेंशियल टू इट। हमेशा बेटा वो टेंजेंशियल होगी, सर्कल के ऊपर आप टेंजेंट बनाते रहो और फील्ड की डायरेक्शन बनाते रहो। दस द लाइंस ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नोटिस नाउ द आयरन फाइलिंग्स फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दीज लाइन्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म क्लोज लूप्स। दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट वायर प्रोवाइड्स अ थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन और स्टेट एक्सपेरिमेंट्स। तो वो सब एक्सपेरिमेंट्स आपको याद है, साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा टू वाले जो हम लोग किया करते थे। उसके अंदर बेटा अपन लोग वायर वगैरह, अक्षत जायसवाल सर इसमें सारे एग्जांपल करना है क्या? प्लीज टेल बेटा, इसके जो एग्जांपल्स होते हैं ना वो आपने जैसे क्लास के नोट्स अगर पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास के नोट्स के जो पहले दूसरे जो एग्जाम्पल्स होते थे ना जब बेटा टीचर कराते थे, है ना, पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल, तो वो उसी तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आप लोगों को अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस उस तरह से आप लोग को रिविजन करते जाओ बेटा, जैसे कि मैं आपको अभी करा, ठीक है, बिना चिंता के करते जाओ। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट बेटा। ठीक है, अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट इज दैट इवन दो द वायर इज इनफाइनाइट। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस वाली लाइन पर डबल स्टार बना लेना और अपने हाईलाइटर जो आप लोग लेकर बैठे उससे हाईलाइट कर लेना। ठीक है, तो अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट इज दैट इवन दो द वायर इज इनफाइनाइट द फील्ड ड्यू टू इट एट अ नॉन जीरो डिस्टेंस इज नॉट इनफाइनाइट। फील्ड इनफाइनाइट नहीं होती, वायर चाहे इनफाइनाइट है, ठीक है, इट टेंड्स टू ग्लो अप ओनली व्हेन वी कम वेरी क्लोज टू द वायर। अपन वायर बना लो और वायर के एकदम बगल में जाके बैठ जाओ कि भाई यहाँ पर बताओ फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो आर की वैल्यू जब आप करीब करीब जीरो कर दोगे तो आपकी जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ओनली इन दैट केस, अदरवाइज किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट जो है वो नहीं हो पाती। ठीक है, तो फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग सोर्स, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है बेटा, है ना, ओके। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट्स अ सिंपल रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग वायर। दिस रूल इज कॉल्ड द राइट हैंड रूल। ठीक है, आप लोग बस वायर को ऐसे ग्रास्प करो अपने हाथ में, ठीक है, ग्रैब द वायर इन योर राइट हैंड विद योर एक्सटेंडेड थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर फिंगर्स विल कर्ल अराउंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर बेटा आपका जो वायर है वो इस तरह से आप लोगों का करंट जो है वो लेकर आ रहा है तो ये आपकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके चारों तरफ। अगर मान लो वायर नीचे करंट ले जा रहा है तो नीचे ऐसे करके और इस तरह से घुमा दो, इस तरह से घुमाओगे तो फिर से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसे करके ऐसे घुमाओगे तो ये आपकी डायरेक्शन आएगी बेटा, और जब ऐसे करके ऐसे घुमाओगे तो ये आप लोगों की जो डायरेक्शन है वो आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन जो है बेटा वो जनरेट।
ठीक है, देखिए देखिए देखिए, अंदर इस तरह से आ रही है, बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट गाइस। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट न्यू इन कंटेंट फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ, बोथ रिलेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एंड बोथ एक्सप्रेस द सेम फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ स्टेडी इलेक्ट्रिकल करंट, बेसिकली गॉस लॉ और यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ। यहाँ पर क्या था बेटा, गॉस लॉ, यहाँ पर कौन है, एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, बोथ एम्पियर्स एंड गॉस लॉ रिलेट अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द पेरिफेरी और बाउंड्री टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी नेमली द सोर्स, ठीक है, इन द इंटीरियर। वी आल्सो नो दैट एम्पियर सर्किटल लॉ होल्ड्स फॉर स्टेडी करंट्स व्हिच डू नॉट फ्लक्चुएट विद टाइम। यहाँ पर बेटा टाइम जो है उसके साथ में करंट जो है वो वेरी नहीं करना चाहिए। अगर आपका करंट जो है बच्चों वो वेरी कर गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। करंट शुड नॉट बी वेरिएबल, तो आई शुड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये वाली बात ध्यान रखना। अगर ऐसा हो गया तो फिर बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो अपना अप्लाई नहीं हो पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कैन बी अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, कैन बी अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ व्हेन करंट इज वेरिंग विद टाइम। कई लोगों ने लगा दिया, अरे एम्पियर सर्किटल लॉ तो बस हाईली सिमेट्रिक सर्किट चाहिए और कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये वाला पॉइंट लिखाते ही नहीं है क्लासों के अंदर, दिस बिकम्स अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखो ये वाला पॉइंट। वी ऑल्सो नोट दैट एम्पियर सर्किटल लॉ होल्ड्स गुड फॉर स्टेडी करेंट्स विच डू नॉट फ्लक्चुएट विद टाइम, तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हाईलाइट कर लो इसको फटाफट। ठीक है सर, ऐसे ही एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स का सेशन ले लीजिएगा। नहीं बेटा, अभी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स के सेशन का कोई सेंस नहीं है, आपने अभी तक भी अगर एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स नहीं की है तो बेटा बहुत समस्या है आप लोगों के साथ। ऑल्दो वैसे मैं आपको ये वाली चीज बता ही रहा हूँ कि बेटा आपने जिससे भी पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन पढ़ा है, जहां भी पढ़ा है, ये वाली बात बेटा कंफर्म है कि आप लोगों को एनसीईआरटी के जो क्लास, जो मतलब एनसीईआरटी के जो अच्छे सवाल होते हैं ना, वो क्लास के अंदर करवा दिए जाते हैं, ऐसा होता ही। डोंट वरी अबाउट दैट बेटा, ठीक है ना बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल भी आप लोग इस चीज की चिंता मत करो। आपने जरूर से बेटा इसके जो क्वेश्चन है वो क्लास में कर लिए होंगे। मैं जब पढ़ाता हूँ तो बेटा मैं कराता हूँ और आशा यही रखता हूँ कि बाकी लोग भी करा ही देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है ना। अब ये वाले ग्राफ व्राफ है, ये वाले ग्राफ वगैरह सब तुम्हें पता है, ये तुमने इलेक्ट्रो में भी बनाए थे, अब ये तुम लोगों को किसके अंदर बनाना है बेटा, ये सब ग्राफ अब आपको मैग्नेटिज्म के अंदर भी बनाने होते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देख एक रिलेशन और लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल एम्पियर सर्किटल लॉ होल्ड्स फॉर एनी लोड इट विल नॉट ऑलवेज फैसिलिटेट एन इवैल्यूएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हाँ, इट विल नॉट ऑलवेज फैसिलिटेट द इवैल्यूएशन ऑफ अ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन एवरी केस, फॉर एग्जाम्पल फॉर द केस ऑफ द सर्क्यूलर लूप डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.6 इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एक्सट्रैक्ट द सिंपल एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2L। मतलब हर जगह आप लोग इसको अप्लाई जो है वो नहीं कर पाएंगे, फॉर द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर के ऊपर इससे नहीं निकाल सकते, तो हर जगह भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। हाउएवर देयर एग्जिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशंस ऑफ हाई सिमेट्री वेयर द लॉ कैन बी कन्वीनियंटली अप्लाइड, और हमारे लिए तो हर जगह कन्वीनियंटली अप्लाई होगा, में जितनी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी बेटा वहां पर ये कन्वीनियंटली अप्लाई होगा, और फिर इसी चीज के थ्रू हम लोग बेटा सोलेनोइड और टोरॉइड वाले जो फंडे होते हैं उनको भी इजीली समझ पाते हैं। ठीक है, अदरवाइज बेटा नहीं समझ पाते। ठीक है, ठीक है ना बेटा, अदरवाइज बेटा ये चीजें समझने में आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है, और मेरे हिसाब से अगर ये दिक्कत जो है या अगर हमारी ठीक हो जाए तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है बच्चों। ठीक है, द सोलेनॉइड एंड द टोरॉइड, इसकी बात कर रहे हैं, सोलेनॉइड की और टोरॉइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए जरा देखते हैं कि इनकी कंडीशंस क्या दी हुई है। आओ जरा, सोलेनॉइड और टोरॉइड के बेटा जो आप लोगों के एक्सप्रेशन है वो आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। म्यू नॉट एन आई जो है बेटा वो सोलेनॉइड के लिए होता है, कैसे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर आपका जो वायर है वो घूम घूम के जा रहे होते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है कैसे हम लोगों को देखनी होती है। ठीक है ना, जल्दी से। हाँ भाई श्रेष्ठ, आ गई तू, बहुत जल्दी आ गई। ठीक है, स्पेशल क्लास का टाइम बेटा 2 बजे, आज मैंने 2 बजे टेस्ट लगा रखा है, 2 PM टेस्ट स्पेशल क्लास, आज स्पेशल क्लास 2 बजे भी है, रात को 10 बजे भी लगाएंगे, तो वी विल हैव टू स्पेशल क्लासेस फॉर श्योर। ठीक है सर, क्या एसी करंट वाले वायर्स भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। करंट तो करंट है ना बेटा, टाइम वेराइंग हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगी, सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। EMI पढ़ा है ना तूने, EMI के अंदर यही तो होता है बेटा, है ना, हाँ इसीलिए। ठीक है ना, हाँ चेंज इन फ्लक्स आएगा ना d∅dt, सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसीलिए तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं मेरे लाल। ठीक है, तो देख यहाँ पर आप लोगों को बेटा ये एक्सप्रेशन तो निकाल के नहीं दिया गया है। अच्छा, ये वाला डायग्राम जो है ना, इन दोनों डायग्राम्स को थोड़ा सा याद रखना,
दोनों ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये बेटा आपके सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बना रखी है, इसको देखने के बाद में किस डायरेक्शन में होती है ये आपको पता लग जाती है। और इसका जो एक्सप्रेशन है फिर ये देखिए, डॉट जो है मतलब इस वाले पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर आ रही है, क्रॉस का मतलब इस वाले पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है बेटा, अंदर जा रही है। तो इसको बनाने का बहुत ही ईजी तरीका है जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद में करंट की डायरेक्शन के हिसाब से आप लोग कर्लोगे तो आपको सारी डायरेक्शन जो है बेटा वो मिल जाती है, ठीक है। ओके एवरीवन, वेरी गुड, चैट ऑफ करके देख रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। सर आप फिजिक्स के एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स पढ़ाते हो बेटा? एनसीईआरटी पढ़ाता तो नहीं हूँ मैं तो बेटा नॉर्मली कॉम्पिटिशन के लिए ही पढ़ाता हूँ, पर है ना कि रिविजन के लिए आप लोगों की एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, इसीलिए 2020 में जिन लोगों को भी देना है उन लोगों के लिए इस समय मैंने एनसीईआरटी उठा लिया और उन लोगों के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखो, अभी एम्पीरियन लूप वूप बना लिए जबरदस्ती के और सारी प्रूफ वगैरह दिखाने लगे। अपने को तो ये वाला एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, पी की वैल्यू कितनी बेटा म्यू नॉट एन, ठीक है। ध्यान रखना एन जो है वो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कई लोग एन जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं, जबकि एन जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस वाले एक्सप्रेशन को याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सेक ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। ध्यान दीजिए, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल, ठीक है। द सोलेनोइड इज कॉमनली यूज टू ऑब्टेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट अ लार्ज फील्ड इज पॉसिबल बाय इंसर्टिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। ये कंडीशंस हो रही है। आज की स्पेशल क्लास मिस मत करना बेटा, 2 बजे टेस्ट है, बहुत जबरदस्त 2 PM टेस्ट, डोंट मिस किसी भी हाल में। फिर रात को 10 बजे फिर लगाऊंगा यही वाली स्पेशल क्लास, 10 PM अगेन, 2 क्लासेस जो है वो आज आपकी स्पेशल रहने वाली है। कल रात के क्वेश्चन में हवा ही नहीं लगी थी श्रेया, क्वेश्चन हार्ड पूछ लिए थे। हाँ, कल बहुत टफ क्वेश्चंस भी थे, कल थोड़ी सी कम हवा लगी लोगों को, पर क्या किया करूँ ना, जैसे जिन क्वेश्चन की हवा ना लगे तो पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो, पीडीएफ डाउनलोड करके उनको एक बार एनालिसिस कर लिया करो, ठीक है। सर कल मेरा जेई था, कल आपके नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मोर देन 15 क्वेश्चन। अरे क्या बात कर रहे हैं आशुतोष, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू आशुतोष महाराणा जी, बहुत अच्छी बात है बेटा, 15 से ज्यादा सवाल मेरे नोट से आ गए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो देखो बेटा, टोरॉइड के बारे में बताया गया, ये अपना सोलेनोइड है ना, सोलेनोइड को ही पकड़ के ऐसे घुमा दो तो क्या बन जाता है बेटा, टोरॉइड बन जाता है। टोरॉइड बन जाता है तो इसमें 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक अंदर का पॉइंट और एक बाहर का पॉइंट, ठीक है ना, चीज वही है बेटा। इसका जो एक्सप्रेशन है बस वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एक्सप्रेशन क्या हो जाता है ध्यान दीजिए, ये आप आपके पास में जो आपके पास जो एक्सप्रेशन आता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr, उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो फाइनली जो आंसर है ना वो देखिए म्यू नॉट एन आई आ जाता है। और ये सोलेनोइड का जो रिजल्ट है वही है, सोलेनोइड का जो रिजल्ट है बेटा वही वाला रिजल्ट है, तो आपको इसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो देख भाई, इन एन आइडियल टोरॉइड द कॉइल्स आर सर्कुलर, इन रियलिटी द टर्न्स ऑफ द टोरॉइडल कॉइल फॉर्म अ हेलिक्स एंड देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल टू द टोरॉइड। हम ऐसा मान के चलते हैं कि बाहर जीरो है, पर असली में बाहर एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो एग्जिस्ट कर रही होती है। जनरली एनसीईआरटी वाले इस तरह की लाइंस को स्किप कर देते हैं, ठीक है। हाँ, जनरली दे स्किप सच लाइन, पर यहाँ पर ये वाली लाइन लिखी हुई है तो मतलब कि दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन इसी तरह की लाइन्स जो है ना बेटा इन्हीं वाली लाइन से बनते हैं, प्लीज रिमेम्बर ऑल दिस, राइट। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो बेटा प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट वगैरह आप लोगों को नहीं पढ़ना है, यू कैन ऑलवेज स्किप दिस पार्ट, ठीक है ना बेटा। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, तो आप लोग जानते ही हैं इसको किस तरह से करना होता है। सर आप प्लीज 2021 के लिए फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ाओ, लाइन वाइज आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन आप सिर्फ रिवीजन करा रहे हो। हाँ बेटा, अभी तो मैं रिवीजन ही करा रहा हूँ, लाइन वाइज पढ़ाऊंगा ना बेटा। 2021 के लिए मेरा बैच कोर्स चल रहा है, तो बेटा बैच कोर्स मेरा चल रहा है ना, उस वाले कोर्स के अंदर सारी की सारी चीजें एक एक करके आ रही है। बैच कोर्स के अंदर हमने इलेक्ट्रो पढ़ लिया है, बैच कोर्स के अंदर हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है, 2 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। ये वाला बैच कोर्स बेटा अभी नीट के एग्जाम के बाद में हम लोग फिर कंटिन्यू कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट द बैच कोर्स गाइस, ठीक है। हाँ, डोंट वरी, द बैच कोर्स विल बी कंटिन्यूड, उसके अंदर फिर मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और सारी चीजें आपको कराता रहूंगा, ठीक है। चलो देख लो, तो भाई दो आप लोगों को जब करंट कैरिंग वायर्स दे देंगे तो कंडीशन क्या होगी, वो आपस में अट्रैक्ट होंगे, वो आपस में रिपेल होंगे, क्या होगा इसके बारे में आपसे बात की जाती है। तो ध्यान रखना, फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होती है, म्यू नॉट इनटू I1 इनटू I2 L इनटू 2πD वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बेटा फोर्स का जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा है।
और बाकी 2021 वाले अगर आप लोग हैं तो आप लोग बेटा मेरे साथ में प्लस पे कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर मेरा बैच चल रहा है 2021 नीट के लिए बाय यूजिंग द कोड एनएम सर। इसमें आपको बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबका स्टडी मटेरियल जो है वो मेरी तरफ से अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही बच्चों सारी की सारी पीडीएफ इन सब मटेरियल्स की आपको अवेलेबल तो रहेगी, और आप लोग बेटा मेरी पर्सनल मेंटरशिप में आ जाओगे, मुझसे डाउट सॉल्व करवा पाओगे एंड एवरीथिंग। ये सब आप लोगों को फायदे जो है बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, ओके। तो देख, इट इज ऑफ कोर्स पॉसिबल टू कंप्यूट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी फ्रॉम कंसीडरेशन सिमिलर टू अबव। वी कैन फाइंड द फोर्स ए बी ऑन अ सेगमेंट ऑफ लेंथ एल ड्यू टू अ करंट बी, इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू एफ बी एंड डायरेक्टेड टुवर्ड बी। बेटा उल्टी फोर्सेस होती है, ठीक है, और यहाँ पर ये आप लोगों के पास में न्यूटन थर्ड लॉ के साथ यानी कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो हमें बनता हुआ दिखता है। कैसा पेयर बनता हुआ दिखता है बेटा हमें? एक्शन रिएक्शन पेयर। ये बच्चों समझ में आ गया? तो कोई मुझसे, मैंने ऐसा ध्यान दिया था कि कुछ लोग मुझसे बीच में सवाल देख रहे थे, पूछ रहे थे कि सर ये क्या होता है, क्या मैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बेटा साफ साफ लिखा हुआ है कि इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन थर्ड लॉ है, यानी कि यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो बन रहा होता है। ठीक है, उसका जवाब आपको अब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दैट वॉज नॉट द राइट टाइम टू गिव यू द आंसर फॉर दैट। ऑलराइट, ठीक है, ओके। चलिए प्लस बेटर है यूट्यूब फॉर नीट 2021 बेटा, ऑब्वियसली प्लस इज बेटर। यहाँ तो बहुत सारी चीजें आप लोगों की कभी कभी रोक के और कुछ और कंटिन्यू कर दिया जाएगा, ऐसा होगा ही सही। साथ में बेटा जो आप लोगों के डाउट क्लियरिंग वगैरह होती है वो यूट्यूब पर तो हो नहीं पाती। आप यहाँ पे सवाल की फोटो खींच के थोड़ी ना भेज पाते हो, जो मैं तुम लोगों को पर्सनली बता दूं और सारी की सारी चीजों में हेल्प कर दूं। रेगुलरिटी आपकी बनी रहनी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें जो है वो प्लस के ऊपर ही आपको बेहतर रूप से मिल पाती हैं। आपको टेस्ट दे पाते हो, आप लोग अपना इवेल्युएशन कर पाते हो, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं बेटा उनके साथ में पढ़ पाते हो। अदरवाइज यहाँ तो बहुत सारे लोग लव स्टोरी चला रहे हैं, अब आपको उनके साथ ही पढ़ना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लव स्टोरी चला लो, कोई टेंशन वाली बात। पर हाँ, प्लस इज ऑलवेज बेटर, ये आप लोग समय के साथ समझते हैं। अभी आप लोगों को कई बार ये वाली चीज जो है वो समझ में नहीं आती है। इट हैपेंस, जब सिलेक्शन नहीं होता ना फिर लगता है यार वो प्लस उसमें लिया था उसका तो सिलेक्शन हो गया, उसको मास्टर जो है वो मतलब काफी हेल्प किया करता था, है ना, है ना। और यूट्यूब के ऊपर तो बेटा कितने लोगों की हेल्प हो, वो इसी तरह की कंडीशंस हो जाती है। व्हेन यू आर एट प्लस यू आर इन माय पर्सनल गाइडेंस ऑलवेज। आप लोगों को जब वो गाइडेंस मिलती है तो आप लोग अपने आप ही अच्छा करने लग जाते हैं बेटा, दैट इम्प्रूव्स यू विद टाइम। राइट बच्चों, ओके। चलिए तो ये सब चीजें तो हमें पता है, ये वाले लॉ को याद रखना बेटा कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। ठीक है, मतलब एक वायर ऐसे ले जा रहे हैं, दूसरा वायर भी ऐसे ले जा रहे हैं, तो पैरेलल हो गए, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। एक ऐसे ले जा रहा है, एक ऐसे ले जा रहा है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा बेटा? रिपल्शन हो जाएगा। ये वाली बात मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है, इनके बीच में रिपल्शन। ठीक है, दिस रूल इज अपोजिट टू व्हाट वी फाइंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और लाइक चार्जेस जो है वो और अनलाइक चार्जेस जो है वो क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली नो लव स्टोरीज ऑन प्लस बेटा, बिल्कुल कोई भी लव स्टोरी नहीं होती। और अब तो स्पेशल क्लास के अंदर भी सबके कमेंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है, सिर्फ मुझे आप लोगों के कमेंट्स दिखते हैं, आपस के कोई भी जो कमेंट्स है बेटा वो आप लोगों को नजर नहीं आते। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो आज आप लोग जैसे मेरी स्पेशल क्लास है उसमें आना, आज मेरी जो स्पेशल क्लास है ना बेटा 2 बजे उस वाली क्लास के अंदर आना, यू विल गेट अ फील ऑफ इट आखिर क्या होता है बच्चों स्पेशल क्लास। ठीक है, ध्यान दो अब इस वाले रिजल्ट को याद रख। देख, द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट व्हिच व्हेन मेंटेन्ड इन ईच ऑफ द टू वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम वुड प्रोड्यूस ऑन ईच ऑफ दीज कंडक्टर्स अ फोर्स इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। समझ गए? तो एम्पियर की जो डेफिनेशन आती है ना बेटा वो यहाँ से आती है, मैग्नेटिक फील्ड से उसको रिलेट करके निकाला गया है, मैग्नेटिज्म फोर्स है बेटा उससे जनरेट करके निकाला गया। दिस लाइन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लाइन है बेटा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा मैं एसी का वन शॉट करा चुका हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार उसको देख लो। हाँ सर, कल लैग रहा था सब ब्लॉग में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे बाबू सोना धनिया पुदीना वाले कभी नहीं सुधरेंगे, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है बाबू सोना और पता नहीं क्या क्या करते ही हम तो। पर एनीवेज आप लोग बेटा थोड़ा सा अगर सीरियस है ना पढ़ाई को लेकर तो आई वुड सजेस्ट ऑप्ट फॉर द प्लस प्लेटफॉर्म, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, पढ़ाते बेटा दोनों ही जगह एक जैसा है, बट द पॉइंट इज कि प्लस हैज सीरियस कैंडिडेट्स एंड वंस यू पे फॉर समथिंग आप लोग थोड़ा सा है ना बेटा आप लोग अपने आप ही सीरियस हो जाते हो कि यार पैसे दिए हैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। जब हम लोग फ्री में कुछ किसी भी चीज को करते हैं ना तो
तो फिर ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है हम लोगों को कि हम कभी करते हैं कभी नहीं करते। अभी आप लोग जैसे कंटिन्यूअस नहीं बैठते, अभी आप लोग इधर उधर कट लेते हैं बीच में, कभी खिड़की से बाहर कभी यहाँ वहाँ, इसी तरह से करते रहते हैं। थैंक यू सो मच चिन्मय जी, थैंक यू। और ये जो कंडीशन होती है ना, यही आपकी लाइफ को खराब करती है। और जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, ठीक है। देखो, दिस डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर वॉज अडॉप्टेड इन 1946, असली डेफिनेशन। इट इज अ थ्योरेटिकल डेफिनेशन, इन प्रैक्टिस वन मस्ट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड सब्स्टिट्यूट वेरी लॉन्ग वायर्स बाय मल्टी टर्न कॉइल्स ऑफ एप्रोप्रिएट ज्योमेट्रीज, ठीक है। असल में बेटा ये कंडीशन होती है, आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा इफेक्ट के अंदर लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए है ना बेटा, सर जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्या वो सीरियस नहीं है बेटा? अब जो कॉस्ट है ना, मतलब 1200-1300 रुपए महीने की जो कॉस्ट है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यार दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल, ऐसा मुझे लगता है। तुम लोग मतलब मोबाइल के अंदर इंटरनेट डलवा लेते हो 450 रुपए का, 600 रुपए का महीने का, है ना, तब तो तुम्हारे लिए सब अफोर्डेबिलिटी होती है। तुम लोग अपने वीडियोस टिकटॉक पे बनाने के लिए और इंस्टाग्राम पे बनाने के लिए ट्राईपॉड्स खरीद के लाते हो, उसके ऊपर वीडियो बाजी करते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है। तो वो सब चीजों में तो खर्चा नहीं जाता, और यहाँ पर बेटा 1350 रुपए देने के अंदर तुम्हारा खर्चा जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करोगे तुम लोग क्या बोलते हो, ठीक है। फिजिक्स बोले तो बाबू बाबू भैया एनएम सर से पढ़ लो उधर हो जाएगा, बिल्कुल सही नागेश पांडे जी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब अफोर्डेबिलिटी नहीं है, दिस इज अफोर्डेबल फॉर श्योर, मुझे तो ऐसा ही लगता है, ठीक है भाई। मेरे टाइम पे अगर मेरे पापा ने लोन लेकर मेरे को पढ़ाया था तो उनको पता था कि भाई कुछ अच्छा ही होगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, जो आपका एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट होता है ना बेटा, उससे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट असल में होता ही नहीं। सेल्फ डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा करना चाहिए, किसी भी बड़े आदमी से वाली बात आप सुन रहे। आज अगर हमें अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया होता, या आज अगर मान लो हमें अच्छी जगह पर नहीं भेजा होता पढ़ने के लिए, तो इन दैट केस शायद हम भी इतना अच्छा नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इन बातों को समझो बेटा, एक बार अगर आप लोग इन सब चीजों को कर लोगे, एक बार दिक्कत जरूर आती है, पर बेटा जब तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे ना, तो डॉक्टर बनने के बाद में एक ऑपरेशन भी अगर कर दोगे तो यहाँ जो तुम लोग फीस भर रहे हो ना बेटा, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आप लोग कमा सकते हो। दिस इज व्हाट कैन बी डन, ठीक है। हाँ, ये वाली बात ध्यान रखिए, ठीक है, ओके। बट दैट डिपेंड्स ऑन यू अगेन, इफ यू आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबिलिटी तो बेटा इससे ज्यादा अफोर्डेबल इस समय आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, ओके। अरे श्रेष्ठा से प्राची सवाल कर रही है, मैंने सर आपका पूरा मैकेनिक्स का सेशन यूट्यूब सबसे बेस्ट है, थैंक यू नागेश, थैंक यू बेटा, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप के बारे में बात की जाएगी, मैग्नेटिक डाइपोल्स के बारे में बात की जाएगी। तो बेटा मैग्नेटिक डाइपोल्स बिल्कुल सेम होते हैं जिस तरह से आपके क्या हुआ करते थे, आप लोगों के इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हुआ करते थे। सिर्फ बेटा आपके के वगैरह की जो वैल्यू है उसको अपन लोग म्यू नॉट अपॉन 4π वगैरह से जो है वो रिप्लेस करते रहते हैं, और हमारे पास जो भी आंसर है वो सारे के सारे आते रहते हैं, ठीक है। तो अपने को बेटा डिराइव वगैरह तो नहीं करना है, ये सब चीजें घुमानी भी नहीं है, जनरेटर वगैरह जो अपन लोग पढ़ रहे होते हैं कि अपन लोग कॉइल को घुमाएं और सारी की सारी चीजें करें, ठीक है। आपको तो बेटा जो आपका टॉर्क है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, टॉर्क की वैल्यू बेटा I into A into B। इसमें भी ये जो I into A होता है इसको अपन लोग मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से जानते हैं। तो हमारे जो फॉर्मूला है वो टॉर्क का वो क्या आ जाता है बेटा, M×B आ जाता है। टॉर्क क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो M×B आ जाता है, जिसे आप लोग MB sin θ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में जो वैल्यू है टॉर्क की निकल के आती है, हम लोग अच्छे से जानते हैं एम और बी के बीच का एंगल कैसे देखना है, ठीक है। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ आती नहीं है, ठीक है। इन सब डेरिवेशन के अंदर कोई दिमाग नहीं लगाना बेटा, देख IAB sin θ वही निकाल रखा है जो आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। एक लाइन जल्दी से देख लें कि भाई दिस मेज द फोर्सेस कोलिनियर, कोलिनियर फोर्सेस के अंदर बेटा आपका नेट फोर्स जो है और टॉर्क जो है वो दोनों जीरो हो जाएगा, तो बेसिकली आप इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन है उसको, कौन सी कंडीशन को अचीव कर जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बता रखी है बेटा M=I into A, तो आपको टॉर्क की वैल्यू जो है वो देखो बेटा क्या लिखती है, τ = M×B, और ये वेक्टर है तो M×B है, क्या लिखा हुआ है बेटा, M×B लिखा हुआ है, तो इसीलिए डरना मत। इसीलिए बेटा वहां पर जो हमारे पास वैल्यू आती थी टॉर्क की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो क्या आती थी बेटा, P×E आती थी। तो ध्यान दो, वैसा के वैसा एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल गया है। तो एनालॉजी चलती है पूरी पूरी, क्या चलती है बेटा, एनालॉजी चलती है, तो आपको कोई चिंता करने की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। डन 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 डन, ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। एग्जांपल एग्जांपल, उसके बाद आएगा सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है बेटा।
अपन लोग जानते हैं कि एक्सिस के ऊपर किस तरह से दिया जाता है, भाई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू इन टू एक्स स्क्वायर प्लस आर टू एस की आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है बेटा वो अलोंग द एक्स एक्सिस होती है, गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, और एक्स जो है वो अगर बहुत आर से बड़ा हो जाएगा तो आर स्क्वायर की जो टर्म है बेटा वाली टर्म को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये सीधे सीधे क्या आ जाता है, आप लोग भी जानते हैं बेटा, ये हमारे पास में बच जाता है म्यू नॉट इन टू आर स्क्वायर अपॉन टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये वाली बात को ध्यान रखना, इफ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, अगर एक्स जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन आर हो जाए तो जो हायर पावर्स है ना बेटा नीचे वाला आर स्क्वायर उसको हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। इसको जैसे ही ड्रॉप करते हैं तो आपके पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर जो वैल्यू बेटा वो बच जाती है। इसके बाद में अगर मान ले एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर है तो वो आर स्क्वायर की वैल्यू ए अपॉन पाई यूज कर सकता है। तो देख बेटा ये वाला एक्सप्रेशन आ गया बी का। ठीक है, एज अर्लियर वी डिफाइन द मैग्नेटिक मोमेंट एम, तो ये देख आई इन टू ए को एम रख दे तो तेरे पास क्या आ गया म्यू नॉट इन टू एम टू बाई एक्स क्यूब। तो इस तरह से तुम बहुत सारे एक्सप्रेशन जो है ना बेटा वो बना सकते हो। ठीक है, डन, ये वही वाली कंडीशन आ गई जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल लिखते थे बेटा, सेम सेम कंडीशन जो आप पर देख सकते हैं। यू आर राइट सर, बुक्स आर आर रियल बेस्ट फ्रेंड्स, बस बुक्स ही ऑलवेज साथ देते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना, आप लोगों को ये बात पता है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। सर मैंने एनसीईआरटी एरन का मॉड्यूल सॉल्व की, क्वेश्चंस बाहर से भी आ रहे हैं तो और क्या पढ़ो बेटा, अभी बस यही देख ले, अब और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज नो टाइम टू स्टडी फ्रॉम आउटसाइड, आप बस अब है ना इस वाले पार्ट को देख लेंगे, आप लोग एनसीईआरटी ढंग से रिवाइज कर लें और बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढंग से देख लें। बाकी आज शाम को बेटा 7 PM के ऊपर आप लोगों के लिए एक सेशन और लाऊंगा मैं, देर इज अ 7 PM सेशन, जिस सेशन में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आखिरी 5 दिन में आप लोगों को क्या क्या देखना है, 5 days, ये वाला सेशन बेटा यूट्यूब पर, ये वाला सेशन जो है वो यूट्यूब पर होगा, आखिरी 5 दिन के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, लास्ट 5 days, राइट, ठीक है ना बच्चों। तो ये वही बेटा डाइपोल की वैल्यूज हैं, जैसे कि हम लोग देख ही चुके हैं इन वाली सारी वैल्यूज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, आप लोग पूरा पूरा इसको रिलेट कर लेंगे और इन वाली वैल्यूज को लिख लेंगे। ठीक है, डन, बहुत बड़ी चीज नहीं है, इजी इजी सब बात है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रेवोल्यू ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू भी निकाल लो भाई। इसकी वैल्यू जब निकालते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, ये हमारे पास में आ जाता है भाई, मोमेंटम वगैरह सब निकाल लेंगे और सारी की सारी चीजें कर लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू जो है उसको अपन लोग बोर मैग्नेटॉन के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं बेटा, बोर मैग्नेटॉन के नाम से जानते हैं। इन सब वैल्यूज को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, हां, वेयर द सबस्क्रिप्ट मिनिमम स्टैंड्स फॉर मिनिमम, दिस इज कॉल्ड द बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसका नाम रख रखा है क्या बेटा, बोर मैग्नेटॉन, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, हां, नेडल आर एम इज हियर इज मेयरली टू यूज इट टू कैलकुलेट द एलिमेंट्री डाइपोल मोमेंट, टेक द वैल्यू ऑफ N2P1 और हम लोग बेटा इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, ओके एवरीवन, चलो आगे की कहानी देखते हैं। एनी चार्ज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैव एन एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट गिवन बाय एन एक्सप्रेशन सिमिलर, दिस डाइपोल मोमेंट इज लेबल्ड एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, हेंस द सबस्क्रिप्ट एल इन अल्फा एल बिसाइड्स द ऑर्बिटल मोमेंटम, है ना, द इलेक्ट्रॉन हैज एन इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट विच इज द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू एज गिवन, इट इज कॉल्ड द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ऑल्दो इनके ऊपर बेटा आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते, इसीलिए यू कैन ऑलवेज चिल, राइट। और मेरा जो मकोड़े भाई है उन्होंने फिर से काम करना बंद कर दिया है, हमें वापस से पेज नंबर 167 के ऊपर जाना पड़ेगा दोबारा से। 167 ओके, ये चीज अपने आप नहीं पढ़ सकता हूँ, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर बेटा ये वाला जो रेशो है ना, इस रेशो की वैल्यू को याद रखना, ये जो आप लोगों को रेशो बना हुआ दिख रहा है, इट इज कॉल्ड द जायरोमैग्नेटिक रेशो एंड इज कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.8 × 10^10 कूलम पर केजी फॉर एन इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज बीन वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इस वाली वैल्यू को बेटा याद रखना है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट वुड बी इन द सेम डायरेक्शन, तो रेशो आप लोगों के सामने बना। ठीक है, ये वाली चीजें बेटा पता होनी चाहिए। ठीक है ना, हाँ, ये वाली चीजें पता होनी चाहिए बिल्कुल, कि आपको मिस आउट नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, डन 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 डन, ओके डन है बेटा ये, ठीक है, ओके ओके। इसके बाद में बेटा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है वो आ जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वगैरह। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर हमें क्या पता होना चाहिए, जल्दी से देख ले। सबसे पहले तो बेटा टॉर्क अपन लोग निकाल ही चुके थे, आईएबी, अब एन टर्न्स आ जाती है तो एनआईएबी हो जाता है, एन टर्न्स आ जाती है तो क्या हो जाता है बेटा, वो एनआईएबी हो जाता है, जो आप लोग देख सकते हैं। वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, सिंस द फील्ड इज रेडियल बाय डिजाइन वी हैव टेकन साइन थीटा 1 इन द अबव एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, द मैग्नेटिक टॉर्क एनआईएबी tends to rotate the coil. A spring provides that counter torque K phi that balances the magnetic torque NIAB, resulting in a steady angular deflection phi in equilibrium.
के फाई की वैल्यू एन आई ए में लिखी रहती है। के को बेटा हम लोग टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। के को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट, याद रखिएगा, टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है। डिफ्लेक्शन फाई इज इंडिकेटेड ऑन द स्केल बाय अ पॉइंटर अटैच्ड टू द स्प्रिंग, और फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन आई ए बी अपॉन के। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई गलती नहीं होती, एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आपसे सीधे पूछा जाता है फाइंड द डिफ्लेक्शन इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो एन आई ए बी अपॉन के अप्लाई करना होता है। अब के अगर तेरे को पता ही नहीं है कि वो टॉर्शनल कॉन्स्टेंट होता है तो बेटा नहीं होगा दरअसल, ठीक है। ओके, हमारे कंपाउंडर लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, प्रेम परमहर्ष चौधरी जी, ओके, वेरी नाइस, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। बेटा हमारे कंपाउंडर जो है उन्होंने एंट्री मार ली है, ठीक है जी। हाँ, बाकी लोग नीट देकर डॉक्टर बनेंगे, और ये नीट तो दे ही लेंगे पर सिलेक्शन नहीं होगा, और उसके बाद में कंपाउंडर तो बढ़िया से बन जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको अपनी लाइफ में, बढ़िया एकदम। हाँ, नंबर लगाएंगे लोगों का। हाँ, ये डॉक्टर साहब जो बैठा है हमारे इन लोगों की लिस्ट के अंदर, इन डॉक्टर्स के लिए हम लोग आगे बैठने वाले हैं और नंबर लगाने वाले हैं लोगों का, ये काम करने के लिए लोग आते हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरह से बिनोद बिनोद या और कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कर बेटा बिनोद, ठीक है। तो क्वांटिटी इन ब्रैकेट्स इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैल्वेनोमीटर, NAB अपॉन K बेटा, क्योंकि कांस्टेंट होता है तो इसीलिए आप लोग इसकी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो मान सकते हैं, पर हर गैल्वेनोमीटर का बेटा ये अलग होता है। झाड़ू पोछे वाले नहीं, झाड़ू पोछे वाले तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनको अपन लोग गलत नहीं बोले हैं, मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ नंबर लगाने को जो बैठ जाते हैं ना, जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े डॉक्टर समझते हैं, तो वो ऐसे ही लोग होते हैं बेटा, जो नीट की तैयारी करते हैं फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता और इस तरह से आ जाता है, ठीक है। मतलब नीट की तैयारी करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, और तीसरी चीज भी उनके अंदर एक खास बात होती है, सिलेक्शन नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, पर इन लोगों के साथ में एक और जो दिक्कत होती है ना बेटा, उनके साथ में क्या दिक्कत होती है कि वो क्या करते हैं ना, इस तरह से स्पैम भी करते हैं हर किसी के वीडियो में, तो ये उन्हीं लोगों के लिए होता है पर्टिकुलरली। नीट की तैयारी करो, सिलेक्शन ना हो, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन, पर नीट की तैयारी करो, सिलेक्शन ना हो, और इस तरह की जब आप लोग बकर मचाओ, किस तरह की बकर, विनोद 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 विनोद, या इसकी उसकी बुराई करो, या ये सब चीजें करो, ये सब चीजें करने वालों के साथ क्या होता है, वो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो ये तीन कंडीशंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर आप लोग इन तीनों में से कुछ भी, अगर आप ये तीनों कंडीशंस को साथ साथ सेटिस्फाई करते हैं तो आप लोग समझ लेंगे आपके साथ में क्या होने वाला है, ठीक है। सर आई एम 2021 एस्पिरेंट बट आई लाइक योर टीचिंग, थैंक यू सो मच अरित, और मैं ये बोलूंगा कि आप मेरे साथ में प्लस पे जुड़े बाय यूजिंग द कोड NMCERT, दैट विल बी द बेस्ट थिंग व्हिच यू कैन गेट, ठीक है, जरूर से आइए। हाँ, देखो 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 देखो, कई लोग एकदम खुश हो गए मेरी बातें सुनकर, ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। कंपाउंडर बन के भी विनोद विनोद ही करेगा, हाँ, हर किसी का नाम विनोद विनोद ही लिखा है, बावड़ा। चलो अब देख यहाँ पर ध्यान दे, दिस इज फॉर टू रीजंस, क्या होता है ना बेटा, गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज एज एन अमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ द करंट इन अ गिवन सर्किट, दिस इज फॉर टू रीजंस। गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है बेटा जरा से करंट के लिए, ठीक है, माइक्रो एम्पियर्स के अंदर भी करंट होता है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। For measuring currents, a galvanometer has to be connected in series and it has a large resistance. This will change the value of the current in the circuit. To overcome this, shunt वंट लगाते हैं, ये सब चीजें आप लोग जानते हैं। How to convert a galvanometer into an ammeter, ये सब चीजें हम लोग बेटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसा कि आपको पता भी है, ठीक है। All right everyone, ठीक है बच्चों, this arrangement is schematically shown. The scale of this ammeter is calibrated and then graduated to read off the current value. With these, we define the current sensitivity. ध्यान दे, again important line, जल्दी से underline कर, जल्दी से underline कर. Okay, we define the current sensitivity of the galvanometer as the deflection per unit current. कैसे define करते हैं बेटा? Deflection per unit current के through इसको define करते हैं। और बेटा अगर session को like नहीं किया है तो जल्दी से like कर दो, बिना like किए कोई नहीं जाएगा, अगर आप लोग class को attend कर रहे हैं तो, ठीक है, जल्दी से देखो। करंट सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब फाई अपॉन आई, वही वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला चेंज नहीं किया, फॉर्मूला क्या था अपना, फाई इज इक्वल टू क्या था, एन आई ए बी डिवाइडेड बाय के था ना, ठीक है, एन आई ए बी डिवाइडेड बाय के था, इसमें फाई के नीचे अपन लोग क्या लिया बेटा, आई लिया, मेरे को तो ऐसे याद रहता है, फाई अपॉन आई इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के, एन बी ए बास्केटबॉल होता है ना, तो इसीलिए इस तरह से याद रखना है, मेरे को तो मजा आता है, आप लोग भी ऐसे ही याद रखो, आप लोगों की इच्छा है, ठीक है। अ कन्वीनियंट वे फॉर द मैन्युफैक्चरर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, तो बेटा जो मैन्युफैक्चरर जो बनाता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से बोल रहा हूँ, अंडरलाइन कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि आप क्या करोगे बेटा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो अच्छा सेंसिटिव हो, तो इन दैट केस आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आप उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना बेटा, उनको बढ़ा दो, ठीक है, समझ गए ना, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से आपकी जो सेंसिटिविटी है बेटा वो बढ़ जाती है, अगली बात आप लोगों को ध्यान रखना,
ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने से आप लोगों की जो सेंसिटिविटी है बेटा वो बढ़ जाती है, समझ गए? ये वाली चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है? ऑलराइट, है ना? चलो इसके अलावा देखिए, द स्केल ऑफ द वोल्टमीटर कैलिब्रेटेड वोल्टेज सेंसिटिविटी भी यहाँ पर बेटा यहाँ पर डिफाइन कर रखी है, ध्यान दीजिए। वी डिफाइन द वोल्टेज सेंसिटिविटी एज अ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो जैसे करंट डेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का थी बेटा, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी थी फाइव अपॉन फाइव, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा, फाइव अपॉन वी, ठीक है? तो बेसिकली वी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो आपको फाइव अपॉन वी की जो वैल्यू है बेटा वो सीधे सीधे मिल जाती है, और यहाँ जो आई अपॉन वी बनता है इससे बेटा वन अपॉन आर बन जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या जो कंडीशन है आपके सामने नजर आ रही है। तो इन वाले फॉर्मुले को बेटा याद रखना है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है तो हम लोग बहुत ईजिली छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि हमें याद ही नहीं होता कि किस तरह से करना है। तो इसलिए बोल रहा हूँ रट लो, देख लो, अभी मेरे साथ हो, पढ़ाई हो जाएगी। अदरवाइज बेटा ये सब चीजें तो आप स्किप कर चुके हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट इज दैट इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरीली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी अगर बढ़ा भी होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाए ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो इस वाली चीज को हमें याद रखना है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाओ तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, समझ गए? तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझ गए ना? ये कोई नियम नहीं है, एक बढ़ाऊंगा तो दूसरा बढ़ जाएगा या दूसरा घटाऊंगा तो पहला घट घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दस द करंट सेंसिटिविटी डबल्स, हाउएवर द रेजिस्टेंस ऑफ द कैलोमीटर इज आल्सो लाइकली टू डबल सिंस इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो इसीलिए क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी अपन लोग दस द वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो कॉन्स्टेंट रह जाती है, वो रिमेन अनचेंज रह जाती है, क्योंकि भाई आपका करंट जो है वो करंट डेंसिटी डबल हो गई, जिसके कारण आपका जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का वो भी क्या हो गया बेटा, डबल हो गया, क्योंकि आपने एन की वैल्यू भी तो बढ़ाई थी, एन भी तो आपने टू एन कर दिया, तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो गया बेटा, आपका डबल हो गया। इसी कारण से बेटा यहाँ पर जो कंडीशन है वो ऐसी आती है जिसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है इट रिमेन्स द सेम, क्योंकि भाई वी को जब तुम लोग आई आर की वैल्यू लिखते हो तो आपको अपने आप ही पता लग जाता है कि फाइव अपॉन वी इनिशियल और फाइव अपॉन वी फाइनल जो है वो सेम। In general, the modification needed for conversion of a galvanometer to ammeter will be different from what is needed for converting it into a voltmeter, जो आप लोग जानते ही हैं। So, some students distract a lot, increasing the entropy just like this. कोई बात नहीं बेटा। Why are you getting disturbed? Just turn off the chats and study. Don't get disturbed. इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि plus के ऊपर seriously पढ़ाई हो जाती है। Plus के ऊपर अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहें तो बेटा NNSR वाला कोड लगाएं और मेरे साथ में जुड़ जाएं। ठीक है? Right? चलो भाई, तो हमारे इस प्रकार से मैग्नेटिज्म वाला पार्ट जो है पहला पहला चैप्टर समाप्त होता है मैग्नेटिज्म का। बहुत ही मजा आ गया, ऑल्दो इट्स अ लॉन्ग चैप्टर, इसीलिए 1.5 घंटा लगा बेटा। इसलिए क्या लगा बेटा, 1.5 घंटा लगा अपन लोगों को इस वाले चैप्टर को करने में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का चैप्टर है और क्या है, ठीक है? हाँ, इट्स अ टफ चैप्टर गाइस। अब बारी आती है बेटा मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में, इसकी बारी आती है मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में। काढ़ा पी रहा हूं मैं, काढ़ा आप भी पियो, पानी वानी पी लो बेटा, पानी पी लो जल्दी से। कड़वा होता है यार। कड़वा होता है। आ जाओ। हाँ भाई चलिए, ज्वाइनिंग प्लस, दैट्स ग्रेट बेटा, वेरी गुड बेटा। इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों को क्या दिया हुआ है बेटा, देखो, मैग्नेटिक फिनोमेना आर यूनिवर्सल इन नेचर, वास्ट डिस्टेंस गैलेक्सीज, द टाइनी विजिबल एटम्स, मैन एंड बीस, ऑल आर परमिएटेड थ्रू एंड थ्रू विद अ होस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस। परमिएटेड थ्रू का मतलब समझ रहे हो? हैं? हाँ बेटा, कर लिया था मैंने ब्रेकफास्ट, डोंट वरी, थैंक यू सो मच। बिना ब्रेकफास्ट किए तो बेटा भी नहीं कर सकते कुछ भी, है ना? इतनी लंबी लंबी क्लास जो है वो कैसे लेंगे बिना ब्रेकफास्ट किए? काढ़ा है, कोल्ड ड्रिंक नहीं, यही तो बोल रहा हूँ, काढ़ा है। हाँ, टेस्ट बहुत गंदा होता है, ठीक है? तो ये वाली चीज हमें पता होना चाहिए कि हमें बेटा किसी भी प्रकार की जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, बहुत सारी चीजें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करती होती है। तो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम लोगों को हमेशा इधर उधर से परमिनेट करती रहती है, ठीक है? वर्ड मैग्नेट जो है वो मैग्नीशिया से बना था, 600 BC के अंदर पता हो गया था। शेफर्ड्स ऑन दिस आइलैंड कंप्लेंड दैट देयर वुडन शूज shoes which had nails at times stayed stuck to the ground. समझ गए? Their iron tipped rods were similarly affected. This attractive property of magnets made it difficult for them to move around. पहले ऐसा लगता था कि भूत भूत है यहाँ पे कोई,
ना, भूत जो है वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा, भूत ने मेरे को रोक दिया, पता लगा लोहे का जूता पहन रखा था, तो लोहे का जूता चिपक गया मैग्नेट के ऊपर, फिर लोगों ने बोला वो भूत आ गया भूत आ गया भूत आ गया, वो भूत नहीं होता था, वो मैग्नेटिज्म होता, बाद में जाके पता लगा इट इज इन रियलिटी गॉड, इट इज इन रियलिटी अ न्यू फिनोमेनन व्हिच यू कॉल एज मैग्नेटिज्म, पहले उसको भूत समझने लगे थे लोग, ठीक है, वैसा ही होता था बेटा बचपन में, है ना, जैसे जहां पर भी इलिटरेसी ज्यादा होती है ना वहां पर भूत ज्यादा होता है। और तुमने कभी सोचा है भूतों की भी बेटा एक बाउंड्री होती है, भूतों की बाउंड्री क्या होती है, जैसे हमारे गांव जो होते हैं गांव के अंदर गांव की भाषा बोलने वाला भूत होता है ना, शहर के अंदर शहरों की भाषा वाला भूत होता है, इंग्लैंड चले जाओ इंग्लैंड में इंग्लिश बोलने वाले भूत मिलते हैं, और इंडिया के भूत जो है बेटा वो उधर नहीं जाते हैं, इंग्लैंड के भूत यहाँ नहीं आते हैं, तो उनकी बाउंड्री जो है वो फिक्स होती है, कितनी जोरदार बात है। पर आप बाला मूवी का हीरो क्या है, हीरो बाला मूवी का हीरो हो क्या, इतने ज्यादा बाल, अरे बेटा मेरे तो मतलब बाल की दुकान में तो पूरा का पूरा देख, तेरे को बाल ही तो नजर आ रहे होंगे, इधर देख यहाँ देख और यहाँ तेरे को एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी नजर आ रहा होगा, ध्यान दे, ठीक है। तो जो भूत है इनकी भी बाउंड्रीज फिक्स है, हर जगह पर नहीं जाते हैं बेटा जो भूत होते हैं, और जो बेटा बाकी के जो भूत हैं वो कुछ लोग यहाँ पर आके स्पैम करने लग जाते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं उनके साथ तो क्या होना है, खैर बार बार क्या बोलना है सारी बात को। तो द डायरेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स वाज आल्सो नोन सिंस एंशियंट टाइम्स, ठीक है, हाँ एंशियंट टाइम से ही हम लोगों को जो बेटा इसमें डायरेक्शन प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में बेटा पता था। अ थिन लॉन्ग पीस ऑफ मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली पॉइंटेड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसी से हम लोग क्या करते थे बेटा कंपास वगैरह जो है वो बनाते थे, ठीक है, इसी से क्या करते थे हम लोग कंपास वगैरह जो है वो बनाया करते थे। सिमिलर इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड व्हेन इट वाज प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ कॉर्क व्हिच वाज देन अलाउड टू फ्लोट इन स्टिल वाटर, द नेम लोडस्टोन है ना, गिवन टू अ नेचुरली अकरिंग कोर ऑफ आयरन मैग्नेटाइट मींस लीडिंग स्टोन, लोडस्टोन मतलब लीडिंग स्टोन के अपने को सही डायरेक्शन जो है वो दे देते हैं। टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोइटेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज जनरली क्रेडिटेड टू द चाइनीज, ऑल्दो चाइनीज को और भी सारे क्रेडिट्स मिल चुके हैं जैसे कोरोना वायरस वाला, ठीक है, चाइनीज टेक्स्ट डेटिंग 400 BC मेंशन द यूज ऑफ मैग्नेटिक नीडल्स फॉर नेविगेशन ऑन शिप्स, कैरावेंस क्रॉसिंग द गोबी डेजर्ट आल्सो एम्प्लॉयड मेडिकल नीडल, ये सब चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। ऑलराइट ओके एवरीवन, ठीक है, भूत नहीं सर स्त्री, अच्छा बेटा स्त्री, तुम्हें सिर्फ स्त्री जो है वही नजर आती है भूतों के अंदर, पर हर स्त्री जो है बेटा वो ऐसी नहीं होती जैसी पिक्चरों के अंदर दिखाते हैं। मैं तो एक ऐसे रियल गांव के अंदर जा चुका हूँ जहां पर ये स्त्री वाला जो नाटक है हुआ था, ठीक है, कोटा से जब अजमेर जाते हैं तो रास्ते में एक गाँव आता है, ठीक है ना, उस वाले गाँव के अंदर ऐसा ही हुआ था, और वो कई साल पहले की बात है, मतलब 12-15 साल पहले, इट वॉज इन द न्यूज एज वेल, वहां पर जितने भी घर थे ना हर घर के आगे जैसे स्त्री मूवी के अंदर तो ऐसा था कि ये चीजें मिला के घर के आगे लिख दो वो स्त्री का लाना और ऐसे करके, पहले गांव के अंदर क्या वो गोबर के हाथ लेके ऐसे छापे मार रखे थे गेट्स के ऊपर, ठीक है ना, रियल में बता रहा हूँ मैं, रियलिस्टिक स्टोरी बता रहा हूँ, उस वाले गाँव से हम लोग पास होते थे तो हमले हमें दिखते थे छापे मार रखे हैं घर के गेट पे खिड़कियों पे, जिससे कि वो जो भूतनी है जो रात को पानी मांगने के लिए आती थी वो नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, अरे बहुत जोरदार जोरदार चीजें होती है ना। गांव का नाम अभी मेरे को मिस हो रहा है, वहां कोई जैन तीर्थ भी बन गया है, कोटा से अजमेर जाते हैं रास्ते में आते हैं, ठीक है, केकड़ी देवली के बीच बोल रहा हूँ, और क्या मजाक कोई ना कर रहा हूँ, इट इज अ रियल स्टोरी बेटा, तुम्हें झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, हाँ चलो अब देखो है ना, ये यहाँ पर वही सब चीजें बता रखी है फालतू की, इस चीज को छोड़ दो। कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म, अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिकल साउथ टू नॉर्थ, वाली बात ध्यान रखिए। अगेन व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, व्हेन अ बार मैग्नेट इज, डराओ मत, इसमें डराने की क्या बात है, ठीक है, नहीं डरा, हाँ यूज ऑफ काउ डंग ऐसे ऐसे, ठीक है, हाँ इसमें डरने की बात नहीं है, ठीक है, तुम्हें थोड़ी ना जाने, भानगढ़ भानगढ़ सब फर्जी बकवास है, वो कुछ होता नहीं है, वहां पर क्या है ना बेटा चंदन के पेड़ है तो चंदन की तस्करी होती है, उन लोगों ने खबरें उड़ा रखी है कि वहां पर भूत है, देयर इज नो भूत, ठीक है, इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मैं गया हूँ बेटा, मैं रात रुक कर आया हूँ, ऐसी दिक्कत नहीं आती है। द टिप विच पॉइंट्स टू द जियोग्राफिक नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द टिप विच पॉइंट्स टू द जियोग्राफिकल साउथ इज कॉल्ड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, कन्वर्सली देयर इज एन अट्रैक्टिव फील्ड बिटवीन द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ द अदर, मतलब वही लाइक पोल्स जो है वो रिपेल मारते हैं और अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं साथ में। वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, इफ अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इन टू हाफ्स वी गेट टू सिमिलर बार मैग्नेट्स विद समवट वीकर प्रॉपर्टीज, अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस आइसोलेटेड मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स नोन एज मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मोनोपोल्स का एग्जिस्टेंस दुनिया में नहीं है, ये वाली बात ध्यान रखना। इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉयज, किस तरह से मैग्नेट की फॉर्मेशन वगैरह करती है ये चीजें हमें पता होना, ठीक है,
चलो वही देखते हैं। इफ यू बिगिन विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बार मैग्नेट एंड इट्स बिहेवियर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वी डिस्क्राइब गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। We then follow it up with an account of the Earth's magnetic field. We next describe how materials can be classified on the basis of their magnetic properties. We describe para, dia and ferromagnetism. We conclude with a section on electromagnets and permanent magnets. ठीक है? तो सबसे पहले बात है कि इसके बेटा बार मैग्नेट्स के बारे में, ठीक है? तनुजा और रितिका जोशी, ओके सर, मेरे पापा आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं, वो भी आपके फैन हैं, ग्रेट फैन, आप रियली बहुत अच्छा पढ़ाते हो, रियली लाइक इज वर्क। अरे थैंक यू सो मच तनुजा एंड योर फादर एज वेल, थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सर, मैं नीट में 600+ लाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू चिन्मय, दैट विल बी ग्रेट, तेरी स्टेथोस्कोप मेरे पास तैयार रहेगी, चिंतित मत हो, ठीक है? आज शाम को बेटा हम लोग इस सब पे चर्चा करने वाले हैं 7 बजे, यूट्यूब एक सेशन लगाने वाला हूँ 7 PM, आखिरी 5 दिन की कहानी, लास्ट 5 डेज की जो स्टोरी है उसके बारे में एक सेशन लगाने वाला हूँ, तो प्लीज 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 उस वाले सेशन को अटेंड करना शाम को 7, ठीक है? वील बी देयर विद दैट सेशन, है ना बच्चों? आइंस्टीन वाज फैसिनेटेड बार मैग्नेट मैग्नेट की बात की गई, वन ऑफ द अर्लीस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ द फेमस फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज दैट ऑफ अ मैग्नेट गिफ्टेड टू हिम बाय अ रिलेटिव। मैग्नेट गिफ्ट करते थे रिलेटिव, देख रहे हो ना, मतलब तो आइंस्टीन ही बनेंगे बड़े हो गए, हमारे लिए क्या लेकर आते हैं, हम झुंझुना लेकर आते हैं, ले झुंझुना इससे खेल, ये ले झुंझुना, ये देख आवाज आ रही है, अले 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 मेरे बच्चे को मजा आया, देख झुंझुना हिला के खिलाते रहते हैं, ज्यादा हुआ तो प्रैम लेकर आ जाएंगे, कुछ ले आएंगे। आइंस्टीन को गिफ्ट में ही क्या मिला था, मैग्नेट गिफ्ट मिलेगा, किस चीज को मैग्नेट गिफ्ट मिलेगा, वो साइंटिस्ट ही बनेगा साला बड़ा हो गया, अपन लोगों को क्या मिलता था, देख लो, अरे झुंझुना दे दिया, बोतल लाके दे दी, बर्तन लाके दे दिए, सॉफ्ट टॉय लाके दे दिया, उसमें कौन सी फिजिक्स लगाएगा आदमी, मैग्नेट में उसका दिमाग चलेगा, अपने लिए तो झुंझुना पकड़ा देते थे, ले झुंझुना हिलाता रहे इसको बैठ के, झुंझुन 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 आवाज होती रहेगी, मजा आएगा, ठीक है, मतलब ही नहीं, ठीक है, आ जाओ भाई। तो देखो भाई, है ना, he wondered how the magnet could affect objects such as nails or pins placed away from it and not in any way connected to it by a spring or string। इंस्टीन तो वंडर करता था, हम क्या करते हैं, हम लोग झुंझुना ही लाते हैं, आवाज आती रहती है ना, हमें बहुत मजा आता है इन सब चीजों में, ठीक है? अब देखिए वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, इस वाली लाइन पे आ जाइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बेटा वैसे ही है जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती थी, ठीक है? ध्यान दो बेटा जल्दी से, यहाँ पर क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स, दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर दीस फील्ड लाइन्स बिगिन फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज और एस्केप टू इन्फिनिटी, या तो पॉजिटिव से शुरू होती थी या इन्फिनिटी से और खत्म होती थी तो नेगेटिव पे या इन्फिनिटी पे खत्म होती थी, उसके जैसा नहीं है यहाँ पर बेटा, क्लोज लूप्स बनते हैं, वहां पर क्लोज लूप्स जो है बेटा वो नहीं बनते थे, ये वाली बात हम लोग जानते हैं, ठीक है? डन। द टेंजेंट ऑफ द फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो अगर अपन लोग टेंजेंट डालते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर तो हम लोगों को डायरेक्शन जो है बेटा वो मिल जाएगी फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट डालने से, ठीक है? डन। पर हमें फोर्स की जो डायरेक्शन है ना बेटा यहाँ पर वो नहीं मिलती है, और यही वो कारण है जिस कारण से हम लोग इनको बेटा मैग्नेटिक फोर्स लाइंस नहीं बोलते, इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही कहा जाता है, इनको आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोले, जबकि है ना जब इलेक्ट्रो में पढ़ते थे ना तो अपन या तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल देते थे, है ना, या फिर हम लोग उनको क्या बोलते थे बेटा, या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल देते थे अगर आप लोगों को याद हो, पर यहाँ पर बेटा जो फोर्स की डायरेक्शन है ना वो बिल्कुल अलग तरह से दी जाती है, तो इसीलिए मैग्नेटिज्म में आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही बोलना है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, और अब इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है? डन है ना? ओके, तो देख भाई, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, बी इज लार्जर अराउंड द रीजन 2 देन इन रीजन 1, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस वाले डायग्राम में, 2 के अंदर ज्यादा है बेटा, ज्यादा ज्यादा लाइंस है और 1 जो है वो दूर निकल गया, तो 1 के ऊपर कम मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सपीरियंस होता वो हो रहा है, ठीक है? डन। और आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी बेटा किसी प्रकार का कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, फॉर इफ दे डिड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी यूनिक एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है? अब बेटा बार मैग्नेट को सोलेनोइड की तरह ट्रीट किया गया है, ध्यान दीजिए, रिकॉल दैट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, m की वैल्यू n ये होती है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, i इज द करंट, a इज द एरिया वेक्टर, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है? कटिंग द बार मैग्नेट इन हाफ इज लाइक कटिंग अ सोलेनोइड, वी गेट टू सिमिलर सोलेनोइड्स विद वीकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, द फील्ड लाइंस रिमेन्स कंटीन्यूअस इमर्जिंग फ्रॉम वन फेज ऑफ द सोलेनोइड एंड एंटरिंग इट टू द अदर फेज, वन कैन टेस्ट दिस एनालॉजी बाय मूविंग द
by moving a small compass needle in the neighborhood of a bar magnet and a current carrying finite solenoid, noting that the deflections of the needle are similar in both cases. Just a second, मेरे को थोड़ा सा पानी पीना है बेटा. बार मैग्नेट इज अ सॉलिनॉइड, कई लोग तो समझ ही नहीं पाए इस वाली चीज को. भी थोड़ा सा ठीक लगा. है ना बेटा? तो देख, टू मेक दिस एनालॉजी मोर फर्म, वी कैलकुलेट द एक्सियल फील्ड ऑफ अ फाइनाइट सोलेनोइड डिपिक्टेड इन 5.4. तो ये सब चीजें हमें पता है, ये प्रूफ हमें नहीं देखना है. हम लोग सीधे किसके ऊपर आएंगे बेटा? बी इक्वल्स टू 0.4π2 / r³ वाले एक्सप्रेशन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो द फार एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट विच वन में ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली. ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं है और चिल मारना है. ठीक है ना, ये वाली चीज ध्यान रखनी है. दोबारा से देख, ये वाली लाइन लिखी है कितनी इंपॉर्टेंट है. मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट एंड वी हैव अवॉइडेड दिस अप्रोच फॉर दैट. ठीक है, समझ गया बेटा, मोनोपोल्स की एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं होती है, प्लीज रिमेम्बर. ठीक है, ऑलराइट. द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रही है. पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, गिव्स एन एप्रोक्सीमेट आइडिया. तो जब डाइपोल आप लोग बेटा टॉर्क की वैल्यू एम क्रॉस भी अपन ने निकाल ही ली थी. ठीक है, इससे बेटा हम लोग टाइम पीरियड वगैरह जो है वो भी निकाल सकते. ठीक है, तो हमारे पास में जो बेटा वैल्यू आती है, उस वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो निकल के कितनी आ गई, जल्दी से बता दे. यहाँ से जो वैल्यू आती है बेटा वो निकल के ही आ गई हमारे पास, 2π√i/n×b. ये हमारा बेटा टाइम पीरियड होता है, ये हमारे b की वैल्यू होती है, जो आप लोग यहाँ पर सीधे सीधे देख सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से बेटा अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो वो कितनी होगी बेटा, -m.b या फिर mb cos θ विद अ माइनस साइन. चेंज जब निकालोगे तो cos θ2 - cos θ1 आपका आ जाएगा माइनस साइन के साथ में, जो आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. बिल्कुल बेटा सेम कहानी चलती है जैसे हमारी वहां चलती थी. इस टाइम पीरियड का बेटा जो फॉर्मूला है, प्लीज इस वाले फॉर्मूले को याद रखिए, 2π√i/n×b. ठीक है, ऑलराइट, है ना, इस वाले फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल भी इस वाले फॉर्मूले को भूलना नहीं है. ऑलराइट बच्चों, ठीक है, ओके एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट्स, ओके सर, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जिससे हम लोगों को सारी की सारी चीजें ना बेटा वो समझ में आ जाए. आई समझते हो ना, आई होता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई जो होता है बेटा वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल भूलना नहीं है. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हम लोगों को एक्सप्रेशन जो है बेटा बस वो याद होनी चाहिए. ठीक है, डन, ऑल राइट. ठीक, तो ये सब कंडीशंस बेटा आप लोग देख सकते हैं. इन सब क्वेश्चंस को देखने की अभी कोई जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग्स के बारे में बता रखा है, सारी की सारी चीजें सेम है बेटा. यहाँ पर देख ले इस वाली टेबल को, तेरे को सब कुछ पता लग जाएगा. ये जो अल्फा नॉट है असली में बेटा म्यू नॉट है. ये जो भी अल्फा अल्फा दिख रहा है ना, ये तेरे को बेटा म्यू नॉट है. तो डोंट वरी अबाउट इट, इज ऑल म्यू. एप्सिलॉन नॉट तो सही बना हुआ है, पर पूरी एनसीईआरटी जो ये पीडीएफ वाले फॉर्म में है ना बेटा, इसमें म्यू नॉट को है ना अल्फा नॉट बना दिया है. डरना मत, एक ही बात. ठीक है, तो जैसे अपन शॉर्ट डाइपोल के लिए लिखते थे, यहाँ भी लिख दिया एक्सियल फील्ड, लिख दिया एक्सटर्नल फील्ड, टॉर्क लिख दिया, एनर्जी लिख दी. तो सारी की सारी चीजें एनालॉजी से चलती. आप लोगों को किसी भी चीज का जो बेटा डेरिवेशन है वो याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज को याद रखो और आंसर निकालो. ठीक है, अब देख मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ आ गया. मैग्नेटिज्म का क्या आ गया बेटा, गॉस लॉ आ गया. तो कार्ल फ्रेडरिच गॉस जो थे बड़े खतरनाक से आदमी थे. ठीक है, इन्होंने भाई इन्होंने ऐसा बोला कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो फॉर बोथ द सर्फेसेस. ये किसी भी क्लोज सर्फेस के लिए क्या होगा बेटा, ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए. तो जैसे हम लोग बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है. जैसे वहां पे इंटीग्रल E.ds होता था Q(Eε0), अब यहां पर हमारे पास में इंटीग्रल B.ds जो है वो जीरो हो जाएगा. किसके लिए, क्लोज सर्फेसेस के लिए, जो हम लोग जानते हैं. ठीक है, तो दिस द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इज दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस इज जीरो. ये वाली बात तेरे को पता होना चाहिए. ठीक है, ये मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ, गॉस लॉ नहीं, गॉस लॉ. मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ अभी अभी आपने देखा, इन सब चीजों को छोड़ दो. हाँ बेटा, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, इन वाले क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा. ये जितने भी डायग्राम्स है ABCDE है ना, ABCDEFG, इन वाले सारे के सारे डायग्राम्स को एनालाइज करना है. दिस इज योर थिंग टू डू, प्लीज डू इट फॉर श्योर.
देता हूं मैं DIY, डू इट योरसेल्फ, ये जरूर से करना है, ये वाला पार्ट जरूर से करना है। पेज नंबर नोट कर लो, दिस इज पेज नंबर व्हाट, पेज नंबर 183, पेज नंबर 183 खुद से अटेम्प्ट करेंगे, डू इट योरसेल्फ, सारा पढ़ के देखेंगे जो रीजंस दिए हुए हैं, सही है गलत है क्या है नहीं है क्यों है, ठीक है। तो दिस इज डू इट योरसेल्फ, ये सारे के सारे पढ़ेंगे बेटा, इनकी मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न देख देख के, और सबके जो आंसर है ना बेटा वो आपको करना है। तो पेज नंबर 182, 183, 184, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सब लोग पढ़ेंगे, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, नोट कर लीजिए पेज नंबर 183, सारा का सारा आपको पढ़ के देखना है, ठीक है। 183, 184 पूरा, ठीक है। 183, 184 बेसिकली एग्जांपल नंबर 5.6 एंड एग्जांपल नंबर 5.7, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसीलिए बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल 5.6 एंड एग्जाम्पल 5.7, एग्जाम्पल 5.6 और 5.7, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट खोलू एग्जाम्पल्स हैं, इनको बिल्कुल भी आप लोगों को मिस नहीं करना, ठीक है, कंसेप्ट खोलू एग्जाम्पल, ठीक है गाइस, डन, ऑलराइट, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ट्राई नहीं करना है, करना है बेटा, ठीक है। इसके बाद में बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म आ जाता है, अर्लियर वी हैव रेफर्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, वैल्यू बीइंग ऑफ द ऑर्डर 10^-5 टेस्ला, What causes the earth to have magnetic field is not clear. आज भी हमें पता नहीं है, कोई बोलता है अंदर molten metal भरा हुआ है, कोई बोलता है उसका rotation होता है तो ऐसा होता है वैसा होता है. Originally the magnetic field was thought of as arising from a giant bar magnet जो कि अंदर रखी हुई है अर्थ का, ऐसा लोग मानते थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. However, this simplistic picture is certainly not correct. The magnetic field is now thought to arise due to electrical currents produced by convective motion of mechanical of metallic fluids, ठीक है, in the outer core of the earth. This is known as the dynamo effect. आउटर कोर के अंदर जब ये घूमता है उसके कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ना बेटा वो आ जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट जो इनके कारण प्रोड्यूस होते हैं, कन्वेक्टिव मोशन समझते हो ना, वही ग्रेविटी के कारण, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर जो सारी की सारी बात है वो चल रही है। Magnetic field lines of the earth resemble that of magnetic dipole located at the center of the earth. Axis of the dipole does not coincide with the axis of rotation of the earth, but is presently tilted at 11.3 degree with respect to the lid. In this way of looking at it, the magnetic poles are located where the magnetic field lines due to the dipole enter or leave the earth. The location of the north magnetic pole is at a latitude 79.74. ध्यान रखना, location of north magnetic pole जो है वो कहाँ है? Latitude 79.74 degree north and a longitude 71.8 degree west. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो जानते हो ना बेटा तुम लोग, या नहीं जानते हैं? लैटिट्यूड वो जो लेटे हुए, लॉन्गिट्यूड वो जो सीधे हैं खड़े हुए हैं, तो लेटे हुए लैटिट्यूड होते हैं और लॉन्ग वाले जो हैं वो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ऐसे याद रखना, दीज आर ऑल लैटिट्यूड्स, लेटे हुए, और जो खड़े हुए हैं वो वाले क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूड्स हैं, इस बात का ध्यान रखना है। मेरे को अपने टीचर ने बताया था बचपन में, सोशल स्टडीज जो मुझे पढ़ाती थी, ठीक है, और मेरे को अभी तक याद है, कितना अच्छा तरीका है, लैटिट्यूड्स लेटे हुए, ऑब्वियस है कि लॉन्गिट्यूड जो है वो ये वर्टिकल वाले होते हैं। Pole near the geographical north pole of the earth is called the north magnetic pole. ध्यान रखना, pole near the geographical north pole of the earth is called the north magnetic pole. Likewise, the pole near the geographical south pole is called the south magnetic pole. कोई फालतू का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। There is some confusion in the nomenclature of the poles. If one looks at the magnetic field lines of the earth, one sees that unlike in the case of a bar magnet, the field lines go into the earth at the north magnetic pole and come out from the south magnetic pole. The convention arose because the magnetic north was the direction to which the compass needle was pointing. समझ गए? इसीलिए confusion हो गया. The north pole of a magnet was so named as it was north seeking pole. North को seek कर रहा था. North को क्या कर रहा था बेटा? वो seek कर रहा था. ठीक है? हाँ, ये वाली बात ध्यान रखना है. इसीलिए उसको north pole नाम रख दिया. Thus in reality the north magnetic pole नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बिहेव लाइक द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इन साइड द अर्थ एंड वाइस वर्सा, समझ गए? हाँ, जैसे साउथ पोल के अंदर अपनी एंट्री होती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बेटा ऐसा हो रहा था। तो इस डायग्राम को आप लोग जब थोड़ा और मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो पहले डायग्राम को देख ध्यान से, तो एंट्री ऊपर से हो रही है और निकल बेटा नीचे से रही है, तो इस तरह से जाती है, ऐसे फैल जाती है, ऐसे 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 करीब करीब पैरेलल चलती है फिर, और ऐसे एंट्री हो जाती है, ठीक है। ये वाली भी ये कुछ इस तरह से आई हुई है, ये ऐसे 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 ऐसे, ये वाली भाई इस तरह से गई होगी,
देख तेरे लिए मैंने क्या बना दी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैंने यहाँ पर तेरे लिए ड्रॉ कर दी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ से जनरेट हो रही है बेटा? ज्योग्राफिकल साउथ से जनरेट हो रही है, ठीक है, या ऐसा बोलो कि साउथ मैग्नेटिक पोल से जनरेट हो रही है और नॉर्थ से एंटर मार रही है। ठीक है, तो इस वाली चीज का थोड़ा सा अपने को बेटा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान देंगे तब जाके समझ में आती है ये वाली चीज। ठीक है, अब देख ले लिखाई हुआ है सारी की सारी चीजें, कैलकुलेशन अपने को डिप और डेक्लिनेशन की करनी होती है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ठीक है, डेक्लिनेशन और डिप को देख लेते हैं। कंसिडर अ पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस, एट सच पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूड सर्फेस डिटरमाइंस द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल बीइंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रू नॉर्थ, द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूड सर्कल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल, इज कॉल्ड द ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो बेटा वो वर्टिकल प्लेन जो आपके किसको कंटेन करते हैं, लॉन्गिट्यूड सर्कल को एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन को, उसको अपन लोग ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, इन अ सिमिलर वे वन कैन डिफाइन मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ प्लेस एज द वर्टिकल प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड द साउथ पोल। ठीक है, दिस प्लेन वुड इंटरसेक्ट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन अ लॉन्गिट्यूड लाइक सर्कल, अ मैग्नेटिक नीडल व्हिच इज फ्री टू स्विंग हॉरिजॉन्टली वुड देन लाई इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ। आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ साउथ की जो डायरेक्शन है, डेक्लिनेशन की वैल्यू साफ साफ यहाँ पर डायग्राम के अंदर बता रखी है। तो मैग्नेटिक नीडल फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉइंग पॉइंट्स नियर द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऊपर को नॉर्थ आ गया, नीचे की तरफ क्या आ गया बेटा, साउथ आ गया। ठीक है, एम्स दिल्ली के लिए कितने मार्क्स चाहिए बेटा? तू सेलेक्ट हो, बस अभी सेलेक्ट हो, अभी ये मत सोच, बस अभी सेलेक्ट होने की बात है। ठीक है, तो ये और असली में बेटा ये ट्रू नॉर्थ और ये आपका ट्रू साउथ। ठीक है, अब इस तरह से आप लोगों का जो डायरेक्शन आ रहा था मैं जो मैग्नेटिक नीडल का, उससे पता लगा कि रियल में जो आपकी मैग्नेट है वो असली में बेटा इस तरह से थोड़ी सी इंक्लाइन है, तो ये जो एंगल है इसी को नाम क्या दिया गया बेटा, डेक्लिनेशन नाम दिया गया। ठीक है, समझ गए, ये कहानी है बेटा डेक्लिनेशन की। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, दिस देन इज द एंगल बिटवीन द ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड द नॉर्थ शोन बाय द कंपास नीडल, दिस एंगल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं बेटा इसको, सिंपली डेक्लिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, डेक्लिनेशन इज ग्रेटर ग्रेटर एट लैटिट्यूड्स एंड स्मॉलर नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास में बेटा ये कम होता जाएगा, नॉर्मल सी बात है। डेक्लिनेशन इन इंडिया इज स्मॉल, इट बीइंग 0.4 मतलब 0° 41 मिनट्स ईस्ट एट दिल्ली एंड 0° 58 मिनट्स वेस्ट एट मुंबई। डज एट बोथ दीस प्लेसेस अ मैग्नेटिक नीडल शोज द ट्रू नॉर्थ क्वाइट एक्यूरेटली, अगर हम लोग दिल्ली या बॉम्बे से में अगर हम लोग मैग्नेटिक नीडल रखें तो बहुत ही कम डिफ्लेक्शन है, होता करीब करीब 0° 41 मिनट्स का डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होता, तो आपको हमेशा जो सच्चा नॉर्थ है ना उसी की डायरेक्शन जो है बेटा वो नजर आती है। ठीक है, देयर इज वन मोर क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट, इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज परफेक्टली बैलेंस अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस सो दैट इट कैन स्विंग इन अ प्लेन, द नीडल वुड मेक एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। हॉरिजॉन्टल के साथ भी बेटा एक एंगल बनाने लगती है और इस वाले एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, इसको बेटा जैसे वो डेक्लिनेशन था इसको हम लोग इंक्लिनेशन बोलते हैं। बेटा आज शाम को 7 बजे वाली क्लास अटेंड कर लेना, 7 PM, जैसे आखिरी के 5 दिन के बारे में जानना है, शाम को 7 बजे हम लोग इसी के बारे में एक स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, प्लीज बी देयर इन द क्लास 7 PM, और 7 बजे वाली क्लास में बहुत मजा आने वाला है, एक सरप्राइज भी है वो आपको, बहुत जोरदार वाला सरप्राइज। ठीक है ना बेटा, दस डिप इज द एंगल दैट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ मेक्स विद द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बेटा अर्थ की, है ना, वो एंगल ऑफ डिप जो है वो वही वाला एंगल होता है, डिप इज द एंगल दैट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ मेक्स विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो सरफेस के साथ में टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है बेटा उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, 5.11 शोज द मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन एट पॉइंट बी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द प्लेन इज अ सेक्शन थ्रू द अर्थ, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आप लोग देख सकते हैं बेटा, ये आप लोगों की बी है पूरी की पूरी, ये आप लोगों का एक प्लेन दिया हुआ है, ये आप लोगों को दूसरा जो प्लेन है बेटा पीछे वाला वो दिया हुआ है, तो आप लोग इसके जैसे जैसे कॉम्पोनेंट्स करते हैं तो हम लोगों को बेटा जो वैल्यूज है वो पता लगने लग जाती है। ठीक है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बेटा बी, बी के दो कॉम्पोनेंट कर दिया आप लोगों ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये आप लोगों का एक कॉम्पोनेंट तो बेटा हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या हो गया तुम्हारा एच ई, ठीक है, और वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या हो गया तुम्हारा जेड ई, ऑल्सो शोन आर द डेक्लिनेशन एंड द इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, तो डिप और इंक्लिनेशन दोनों आपको नजर आ रहे हैं साफ साफ इस वाले डायग्राम में, ध्यान से देखें तो दिख जाएगा। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है, इन सब चीजों को याद रखें। इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ पोल ऑफ द डिप नीडल टिल्स डाउनवर्ड्स, लाइकवाइज इन मोस्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर द साउथ पोल ऑफ द डिप नीडल टिल डाउनवर्ड्स, तो बेटा ये वाली लाइन जो है ये लिखी हुई है एनसीईआरटी में, लास्ट ईयर इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, प्लीज मार्क दिस लाइन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मेंस के अंदर भी आया था, नीट के अंदर भी आया था, बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे। अपन ने एनसीईआरटी पढ़ रखी थी, अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं था इस वाले क्वेश्चन से, ठीक है। टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट अ पॉइंट ऑन इट्स सरफेस वी नीड टू स्पेसिफाई थ्री क्वांटिटीज, मतलब कि मेरे को डेक्लिनेशन चाहिए, एंगल ऑफ डिप चाहिए या फिर इंक्लिनेशन, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एच ई। जैसे ही बेटा ये चीज मुझे पता होती है तो मैं क्या लिख देता हूँ, टेन आई इज इक्वल टू जेड ई अपॉन एच ई। जेड जो है बेटा वो कौन सा कॉम्पोनेंट है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट, एच ई जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है, ठीक है। आई जो है वो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। टेन डेल्टा जेड ई अपॉन एच ई, इसको कई बार इस तरह से भी लिखा जाता है, तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी इसको बेटा मिस नहीं करना है, ठीक है। डन 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 डन, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आ जाओ, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस एंड द डिप एंगल इज 60 डिग्री। तो यहां पर डिप एंगल क्योंकि 60 डिग्री दे दिया, तो डिप एंगल की इक्वेशन क्या थी, यहां पर देख ले, दोनों इक्वेशन देखिए वाली भाई। ये आप लोगों ने जो इक्वेशन लिखी है, इस वाली इक्वेशन को भी देखो जेड की वैल्यू को, और इस वाली इक्वेशन को भी देखो बेटा एच की वैल्यू को। इन दोनों वैल्यूज को जब आप देखते हो तो बेटा डिप वाली इक्वेशन भी हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं। डिप वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास में क्या रहती है, जल्दी से बता दो। डिप के लिए हमने लिखा cos 60 इज इक्वल टू बेटा एच ई अपॉन बी। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था, देख लो जल्दी से, एच ई अपॉन बी लिखा था क्या? नहीं सर, यहाँ तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के हमने दो कॉम्पोनेंट्स किए थे, जबकि यहाँ पर बेटा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो हम लोग cos 60 लिख रहे हैं उसके अंदर बी क्या है बेटा, बी इज योर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी इज योर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड याद रखना, और एच ई जो है वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को सब लोग याद रखेंगे, इसको बेटा हम लोग कॉस थीटा से निकालते हैं। इसको हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, कॉस थीटा से कैलकुलेट करते हैं, तो इससे हमारा आंसर जो है वो आ जाता है, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बेटा इसके बाद में हम लोग मटीरियल्स के अंदर एंट्री मारने वाले हैं, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब बेटा नॉर्मल डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। एम की वैल्यू एम नेट अपॉन बी होती है, एम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें एम्पियर पर मीटर के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। छोटा एम जो है वो आप लोग जानते हैं क्या होता है, जल्दी से बोलो बेटा, मैग्नेटिक डायपोल। सर मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ जो रोटेशनल मोशन में के सारे कर ली लेकिन जो क्वेश्चन गलत था उसी में उसको डाउट। कौन सी लड़की के बारे में सोच रही है? अच्छा, अदिति के बारे में सोच रहा है वो, ठीक है ना, होता है उसमें क्या होता है, क्यों सोच रहा है उस लड़की के बारे में? तो वो डाउट इसीलिए तो आया ना कि क्वेश्चन ही गलत था, उस दिन मेरे को पता लगा कि वो क्वेश्चन गलत है, अदरवाइज मेरे को भी नहीं पता था कि वाला क्वेश्चन जो है गलत है, किसी ने पूछा ही नहीं था मुझसे वो। तो आप लोग सोच सकते हैं इस वाली बात को। तो एम इज अ वेक्टर विद डायमेंशन एल इनवर्स ए एंड इज मेजर्ड इन द यूनिट्स एम्पियर पर मीटर। अब बेटा सोलेनोइड वोलेनोइड ले लो, बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई होती है, ठीक है। अपन लोग बेटा बाहर की अंदर की दोनों को जोड़ जोड़ कर लिख देते हैं सारी की सारी चीजें। तो देख, नेट फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनोइड में बी एक्सप्रेस एज व्हाट, बी नॉट प्लस बी एम। बी एम इज द फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय द मटेरियल कोर, इट टर्न्स आउट दैट दिस एडिशनल फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन एम, और बी की जो वैल्यू है उसको म्यू नॉट इनटू एम की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये सब चीजें जो है ना, ये सब आपको पता होनी चाहिए यार, है ना। ये सब अब मैं दोबारा दोबारा नहीं बता रहा, ये तो आपने पढ़ी हुई होगी। ससेप्टेबिलिटी एक्स जो है वो ससेप्टेबिलिटी होती है, और एम बाय एच का रेशियो होती है, एच का क्या होती है बेटा, रेशो होती है, ठीक है। एक्स इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ अ मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड्स टू एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। टेबल 5.2 लिस्ट फॉर लिस्ट ससेप्टेबिलिटी फॉर सम मटेरियल्स, इट इज स्मॉल एंड पॉजिटिव फॉर मटीरियल्स विच आर कॉल्ड पैरा मैग्नेटिक। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है सीधा, ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस की और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर आप लोग कंपेयर करें तो कैसी होगी, इट इज स्मॉल एंड नेगेटिव फॉर मटेरियल्स व्हिच आर टर्म्ड डायमैग्नेटिक, समझ गए। और ये अली रिलेशन पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम वन प्लस ससेप्टेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई एच, एच के बारे में आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता, ठीक है ना। इसी के साथ में देख लें, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज म्यू नॉट म्यू एंड इट हैज द सेम डायमेंशन यूनिट साइज म्यू नॉट, समझ गया। ये वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, थ्री क्वांटिटीज x म्यू नॉट एंड म्यू, x म्यू आर रिलेटिव यानी कि और म्यू आर इंटररिलेटेड एंड ओनली वन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट गिवन वन द अदर टू विल बी इजीली डिटरमाइंड। आप लोग जानते हैं, देखिए x की वैल्यू लिखी है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, नहीं याद नहीं करनी है, बस लिखी हुई है उसको देख लो, ठीक है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की कहानी आ गई बेटा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक, ये वाली टेबल आप लोगों को याद कर लेनी है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस टेबल, इस टेबल को याद रखें,
उसके बाद में बेटा हम लोग डायमैग्नेटिज्म को डिफाइन करने वाले हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन अदर वर्ड्स, अनलाइक द वे अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स मेटल्स लाइक आयरन, इट वुड रिपेल अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शोज अ बार ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो हम लोगों ने लगा रखी है। फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड और एक्सपेल्ड एंड द फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज रिड्यूस्ड। ठीक है ना, रिपेल कर देते हैं एक्सटर्नल फील्ड को, क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फील्ड डेवलप करके। इन मोस्ट केसेस एज इज एविडेंट फ्रॉम टेबल 5.2 रिडक्शन इज स्लाइट बीइंग 1 पार्ट इन 10 पावर 5 व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द बार विल टेंड टू मूव फ्रॉम हाई टू लो। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर डायमैग्नेटिज्म इज एज फॉलोज। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस पजेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दीज ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप एंड दस पजेस ऑर्बिटल मैग्नेटिक। Diamagnetic substances are the ones in which the resultant magnetic field in an atom is zero. When magnetic field is applied, these electrons, those electrons having orbital magnetic moment in the same direction slow down. And those in the opposite direction speed up. This happens due to induced current in accordance with Lenz's law, which you will study in chapter 6. Thus, the substance develops a net magnetic moment in direction opposite to that of the applied field and hence repulsion. You see, current kya hota hai beta? Repulsion ho jata hai. Some diamagnetic materials are bismuth, copper, lead, silicon, nitrogen. At STP, water and sodium chloride. Diamagnetism is present in all the substances. However, the effect is so weak in most cases that it gets shifted by other. ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है ना? By other effects like paramagnetism, ferromagnetism, etc. Most exotic diamagnetic materials are superconductors. सबसे जोरदार diamagnetic materials कौन से होते हैं बेटा? Superconductors होते हैं। सर मैं first time आपकी class attend कर रही हूँ, मुझे नहीं पता था आपके बारे में। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, डॉक्टर सर है ना, आज आप 2 बजे जो अनअकैडमी ऐप पे स्पेशल क्लास है उसमें भी जरूर से आइएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, पेज नंबर 196 मकोड़े भाई ने चलना बंद कर दिया है, जल्दी से पेज नंबर 196 दोबारा से खोल के देख लेते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ पेज नंबर 196। ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं यार, इनको पढ़ने में टाइम लगता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइम लग रहा है पर ढंग से भी तो पढ़ रहा है, ये भी तो सोचो है ना, ऐसे इसको स्किप नहीं कर सकते, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये वाली चीज याद रखना कि सबसे बढ़िया डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं बेटा? सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ध्यान रखिए। और सुपर कंडक्टर्स को हम लोग हमेशा कहाँ डिफाइन करते हैं? बहुत लो टेम्परेचर्स के ऊपर डिफाइन करते हैं, जिस ब्रांच को हम लोग क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। क्रायोजेनिक्स के अंदर ही बेटा सुपर कंडक्टर्स को डिफाइन किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? दे एग्जिबिट बोथ परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। हियर द फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली एक्सपेंड। ठीक है, सुपर कंडक्टर रिपेल करता है बेटा मैग्नेट को, है ना, और मैग्नेट से खुद भी रिपेल होता है। फेनोमेन ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपरकंडक्टर्स इज आल्सो कॉल्ड मीज़नर इफेक्ट। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, प्लीज रिमेंबर दीज लाइंस। मीज़नर इफेक्ट क्या होता है? जो आपका सुपरकंडक्टर जो है वो आपको परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म दिखाने लगता है, उसे अपन मीज़नर इफेक्ट बोलते हैं। आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्कवरर, सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट्स कैन बी गेनफुली एक्सप्लॉइटेड इन वेरियस वैरायटी ऑफ सिचुएशंस टर्निंग मैग्नेटिकली लेविटेटेड सुपर। ठीक है, ये सब यहाँ पर काम आता है। तो मीज़नर इफेक्ट ध्यान रखना क्या होता है, जब आपका एक सुपर कंडक्टर परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म दिखाने लगता है तो उस वाले इफेक्ट को मीज़नर इफेक्ट नाम दिया गया। ठीक है, तो छोड़नी नहीं है इस वाली लाइन को, उल्टा आप पूरी तरह से याद कर लेना। इसके बाद में आता है बेटा पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थोड़े से मैग्नेटाइज हो जाते हैं जब हम इनको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। दे हैव द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक टू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंडिविजुअल एटम्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल पजेस अ परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन। ध्यान रखना, इनका एक परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। ऑन अकाउंट ऑफ द सीजलेस रैंडम थर्मल मोशंस ऑफ द एटम नो नेट मैग्नेटाइजेशन इज सीन। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड व्हिच इज स्ट्रांग एंड एट लो टेंपरेचर्स इंडिविजुअल मैग्नेटिक डायपोल कैन बी मेड टू अलाइन। मतलब डोमेन्स जो है वो इस तरह से एक के पीछे एक अलाइन हो जाते हैं बेटा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप किसी एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दो तो बेटा सब कुछ क्या हो जाएगा, ऐसे अलाइन हो जाएगा। अलाइन होने के कारण आपको छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड है डेवलपमेंट इसके अंदर दिख जाएगा। ठीक है, सो द बार ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल प्लेज एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, ये आप लोगों को दिखाया गया है, जल्दी से देख लो। कहां गया, ये देखो, ये बेटा ये बिना किसी बी यहां पर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, और यहां पर बी जो है वो प्रेजेंट है। बी अगर प्रेजेंट होगी तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जम गए। ठीक है, और जब नहीं थी तो बेटा नहीं जम रहे थे। इनको अपन लोग डोमेन नाम देते हैं, तो हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? डोमेन नाम देते हैं। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म का फंडा क्या होता है? आर दोज व्हिच गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड when placed in an external magnetic field, है ना, strongly magnetized when placed in a external magnetic field, ferromagnetism के फंडे पे आ गए। paramagnetism को खत्म करके किस पे आ गए बेटा? ferromagnetism पे। सर ये पार्ट थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, धीरे ही तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, तेज चल रहा है।
हाँ ध्यान रखना बेटा, प्लस क्लास 2 बजे, 2 PM हमारी प्लस क्लास है। बिल्कुल बेटा, रेस्ट थोड़ी ना करने दूंगा मैं खुद रेस्ट नहीं कर रहा, तो आपको कैसे करने दूंगा। 2 PM पे आप लोगों की बेटा स्पेशल क्लास लगेगी, और ये अनअकैडमी की आपके ऊपर होगी, जरूर से आना, इसमें एंटी वाला टेस्ट नहीं है, ठीक है ना बेटा, राइट। हाँ चलो आ जाओ बच्चों। तो इंडिविजुअल एटम्स इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पजेस अ डाइपोल मोमेंट एज इन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, हाउएवर दे इंटरैक्ट विद वन अनदर इन सच अ वे दैट दे स्पॉन्टेनियसली अलाइन देमसेल्व्स इन अ कॉमन डायरेक्शन ओवर माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम कॉल्ड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कोऑपरेटिव इफेक्ट रिक्वायर्स क्वांटम मैकेनिक्स एंड इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द टेक्स्ट बुक। भूल जाओगे क्यों होता है। इस डोमेन इज अ नेट मैग्नेटाइजेशन, टिपिकल डोमेन साइज इज 1 mm एंड द डोमेन कंटेन्स अबाउट 10 की पावर 11 एटम्स। इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लो। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। डोमेन्स की कहानी किसमें आती है बेटा, फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर आती है। द फर्स्ट इंस्टेंट द मैग्नेटाइजेशन वेरीज रैंडमली फ्रॉम डोमेन टू डोमेन एंड देयर इज नो बल्क मैग्नेटाइजेशन, पर जैसे ही बेटा आप लोग एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो डोमेन्स ओरिएंट देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी एंड साइमल्टेनियसली द डोमेन ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ बी ग्रो इन साइज। दिस एक्जिस्टेंस ऑफ डोमेन्स एंड देयर मोशन इन बी नॉट आर नॉट स्पेकुलेशंस। वन मे ऑब्जर्व दिस अंडर अ माइक्रोस्कोप आफ्टर स्प्रिंकलिंग अ लिक्विड सस्पेंशन ऑफ पाउडर। दिस इज दिस, ठीक है। में कितनी क्लासें होती हैं आपकी बेटा, अभी तो है ना 2 बजे वाली क्लास में आ जाना, उसके बाद में फिर एक क्लास मैंने 7 बजे और लगा रखी है। ये वाली क्लास यूट्यूब पे है, आखिरी 5 दिन के बारे में बताऊंगा, 5 डेज के बारे में, आखिरी के 5 दिनों में कैसे पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे अगली क्लास के बारे में, तो अगली क्लास जो है वो बेटा रात को 10 बजे और एक लगा रखी है, 10 PM क्लास इज ऑल्सो बी देयर इन द 10 PM क्लास, जो स्पेशल क्लास है अगेन टेस्ट, ठीक है गाइज। ओके, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दे रखे हैं आपको, सैंपल वैंपल है। दिस मोशन ऑफ सस्पेंशन कैन बी ऑब्जर्व दस इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फील्ड आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द सैंपल टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हाई फील्ड। और इनके पास में बेटा बहुत सारा जो मैग्नेटिज्म है वो बच भी जाता है, इनके पास में जो बहुत सारा मैग्नेटिज्म है वो बच भी जाता है। वी मे वंडर एज टू व्हाट हैपेंस व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। इन सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स The magnetization persists. Such materials are called hard magnetic materials or hard ferromagnets. ऐसे materials को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, hard ferromagnets बोलते हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है guys? ठीक है, ये तो अभी चलेगी बेटा, अभी तो पहला चैप्टर ही चल रहा है, ठीक है ना। अल्निको एनालॉग ऑफ आयरन एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट एंड कॉपर इज वन सच मटेरियल, द नेचुरली अकरिंग लोडस्टोन इज अनदर। Such materials form permanent magnets to be used among other things as a compass needle. On the other hand, there is a class of ferromagnetic materials in which the magnetization disappears on removal of the external field. Soft iron is one such material. Okay, approximately enough such materials are called soft ferromagnetic materials. There are a number of elements which are ferromagnetic: iron, cobalt, nickel, gadolinium, etc. The relative magnetic permeability is greater than 1000. Okay. फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एट हाई इनफ टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक बिकम्स अ पैरामैग्नेट। ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो आपका जो बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो कैसा बन जाता है बेटा, वो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये वाली चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर करने पर ऐसा होता है, अगर आप लोग ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो आपका जो बेटा मटीरियल है वो क्या बन जाएगा, वो आपका मटीरियल कैसा बन जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सारा का सारा जो बेटा मैग्नेटाइजेशन है वो आप लोगों का लॉस हो जाएगा, ठीक है, डन। ये वाली बात आपको यहाँ पर समझनी होती है, ऑलराइट गाइस, ओके एवरीवन। आगे की कहानी के अंदर दिया हुआ है कि आप लोगों को ये सब कंडीशंस गिवन है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है इसको देख ले, ठीक है। एट हाई इनफ टेम्परेचर अ फेरोमैग्नेट बिकम्स अ पैरामैग्नेट, द डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट्स विद टेम्परेचर, दिस डिसअपीयरेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद टेम्परेचर इज ग्रेजुअल, इट इज अ फेज ट्रांजिशन रिमाइंडिंग अस ऑफ द मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड, ठीक है। असली में बेटा फेज ट्रांजिशन होता है जो मेल्टिंग क्रिस्टल्स में होता है। द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिज्म जब हम लोग ये करते हैं, इस वाले मटेरियल को जब हम लोग करते हैं, इज कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर TC, ठीक है। इट लिस्ट द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ सर्टेन फेरोमैग्नेट्स, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एट क्यूरी टेम्परेचर दैट इज इन द पैरामैग्नेटिक फेज इज x = C/T − TC। ये वाली वैल्यू बेटा आपको पता होनी चाहिए, इस वाले एक्सप्रेशन को याद रखें। अगर इससे बेटा प्रॉब्लम आती है तो वो नहीं आनी चाहिए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डन। इन वाली चीजों को याद रखना है, ये वाले एक्सप्रेशन आप लोगों को याद रखना है, क्यूरी टेम्परेचर के बारे में याद रखना है, ठीक है। फिर ये हिस्टेरेसिस है बेटा, हिस्टेरेसिस के बारे में आप लोग जानते हैं कि आप लोग जितना रिटेन कर जाते हैं मैग्नेटिज्म को उसको हम लोग रिटेंटिविटी बोलते हैं, ठीक है। जितना अपन लोग रिटेन कर जाते हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिटेंटिविटी बोलते हैं, ठीक
है, और जितना हम लोग लॉस करते हैं उसी के हिसाब से हम लोग किसको डिफाइन करते हैं बेटा, हम लोग कोएर्सिविटी की बात करते हैं, ठीक है। हाँ ध्यान रखिए, समझ गए। तो ये हिस्टेरेसिस लूप जो है बेटा वो बना हुआ है आपके सामने, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया बेटा, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आप जीरो से शुरू हुए और किसी ए पॉइंट तक आप लोगों ने अपनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है बेटा उसको बढ़ा दिया। तो आपने जैसे ही बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को नेगेटिव डायरेक्शन करना शुरू किया, तो बेसिकली आप लोगों ने पूरी की पूरी इंटेंसिटी जो ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसको लॉस नहीं किया, कुछ अभी भी रह गई, पर क्योंकि वो कुछ रह गई थी तो आपने अभी भी क्या किया, नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को देना जारी रखा। नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को देना जब जारी रखा, तो एक टाइम ऐसा आया बेटा जब आपकी सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड गेन की थी वो सब क्या हो गई, जीरो, ठीक है। पर क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड बेटा नेगेटिव थी तो हमने उसे और नेगेटिव करने की कोशिश की, और अब नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोगों की जो मैग्नेटाइजेशन थी वो चालू हो गई। हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइजेशन लेकर एक पॉइंट पर पहुंचे, और उसके बाद में फिर से तुम लोगों ने बोला कि नहीं मैं तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर लगा दूंगा, और तुमने मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना फिर से शुरू कर दिया। तो सबसे पहले बेटा नेगेटिव से आप लोग जीरो पहुंचे, तो हम लोगों ने ये देखा कि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन था वो हम लोग गेन कर चुके थे, और वो मैग्नेटाइजेशन अब हमारे पास में बचा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो गई, पर जो मैग्नेटाइजेशन था बेटा वो हमारा जीरो नहीं हुआ, ठीक है ना। मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ तो हमने बोला मैग्नेटाइजेशन जीरो करने के लिए अब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं जीरो करने के बाद। अब हम लोगों ने मस्त एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो आप लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर एक पॉइंट ऐसा आया जब आपके एच की वैल्यू जो है वो जीरो हो गई। और फिर हम लोग नहीं रुके, तो हम लोगों ने बी की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाते रहे, तो हमारे एच की जो वैल्यू है बेटा वो पहले से और ज्यादा मिली, और एच की वैल्यू वापस से पॉइंट पर पहुंच गई। इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट टेलीकास्ट करते रहते हैं और इसको दोहराते रहते हैं, ठीक है। पॉजिटिविटी और रिटेंटिविटी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नोट दैट द कर्व ओए डज नॉट रिट्रेस इटसेल्फ, वापस से ओए जो है वो रिट्रेस नहीं होता, इसके बाद में जो कहानी है वो इसी के ऊपर चलती है। इस वाले लूप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस वाले लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप भी नाम देते हैं। इस वाले लूप को क्या नाम दिया गया बेटा, हिस्टेरेसिस लूप भी हम लोगों ने नाम दे रखा है, ठीक है। एच इज रिड्यूस, है ना, ओए डज नॉट रिट्रेस इटसेल्फ एज एच इज रिड्यूस फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एच। B is not unique but depends on previous history of the sample. This phenomenon is called hysteresis. The word hysteresis means lagging behind and not history. ठीक है, हाँ इसका मतलब history history नहीं हो, ठीक है। Electromagnets और permanent magnets के बारे में बेटा यहाँ पर कुछ कुछ बातें जो हैं वो आपसे की गई हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो ध्यान रखिए। Electromagnets बनाने के लिए हम लोग कैसे चीजें काम में लेते हैं, ferromagnetic material काम में लेते हैं जो यहाँ पर जरूरी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया बेटा, ध्यान दीजिए। फर्दर द मटीरियल शुड हैव अ हाई परमियबिलिटी, स्टील इज वन फेवर्ड चॉइस, इट इज अ स्लाइटली स्मॉलर रिटेंटिविटी देन सॉफ्ट आयरन। रिटेंटिविटी थोड़ी कम होती है सॉफ्ट आयरन से, बट बेटा आउटवेड बाय द मच स्मॉलर कोएर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन। अदर सूटेबल मटीरियल फॉर परमानेंट मैग्नेट्स आर अल्निको, कोबाल्ट स्टील एंड टिकोना, ठीक है। कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स व्हिच हैव हाई परमियबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी। बेटा यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, फिर बोल रहा हूँ, इन लाइन्स को बहुत ध्यान से देख लो, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। अभी जेई मेन्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया बेटा, आप लोगों ने देखा होगा डिस्कशन के अंदर, जेई मेन्स का डायरेक्ट सवाल आया था इसी वाली लाइन से, ठीक है। इन लाइन्स को बहुत भयंकर रूप से रट लो बेटा, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। फोटो लेके खींचो अपने पास में, कुछ भी कर लो पर रट लो, ठीक है। सॉफ्ट आयरन इज अ सूटेबल मटीरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ऑन प्लेसिंग अ सॉफ्ट आयरन रॉड इन अ सोलेनोइड एंड पासिंग अ करंट वी इंक्रीज द मैग्नेटिज्म ऑफ द सोलेनोइड बाय 1000 फोल्ड, ठीक है। When we switch off the solenoid current, the magnetism is effectively switched off. Since the soft iron has a low retentivity arrangement is shown. तो बेटा आपके पास में low retentivity होती है ना soft iron की, तो जैसे अपन switch off करते हैं तो उसकी magnetic properties भी खत्म हो जाती है, और switch on करते हैं तो magnetic properties बहुत भयंकर तरीके से बढ़ जाती है, 1000 गुना तक बढ़ जाती है। तो ये फायदा होता है बेटा soft iron को काम में लेने का, ठीक है। In certain applications, material goes through an AC cycle of magnetization for a long period. This is the case in transformer. एनर्जी डिसिपेटेड एंड द हीटिंग विल कॉन्सिक्वेंटली बी स्मॉल, द मटेरियल मस्ट हैव हाई रेजिस्टिविटी टू लोअर एडी करंट लॉसेस। यू विल स्टडी अबाउट एडी करंट इन चैप्टर 6, अभी इसके बारे में बात करनी बाकी है तो लूं, ठीक है। ऑलराइट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक bells, loudspeakers and telephone diagram. Giant electromagnets are used in cranes, lift machinery and bulk quantities of steel. All right? तो ये बेटा इस प्रकार से ये वाला जो चैप्टर है ये भी हमारा समाप्त होता है। ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को आना चाहिए था, ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसके बाद
बाद में और क्या बचता है इस वाली बुक में मैं आपको बता देता हूँ। ईएमआई बच जाएगा, कहाँ गया अभी, कहाँ गया। तो हमने बेटा अभी क्या क्या कर लिया है ये मैं आप लोगों को याद दिला दूं। हमने बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कर लिया है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के साथ में अभी जो हमने कंप्लीट किया उसके अंदर बेटा हमने इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कर लिया है दो चैप्टर। इसके साथ ही हमने बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया है बेटा तीन चैप्टर। इसके साथ ही हम लोगों ने बेटा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कर लिया है चार चैप्टर। इसके साथ ही हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर कर लिया है बेटा पांच चैप्टर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हम लोगों को बेटा कल वाली क्लास के अंदर करने का मौका मिलेगा। बी देयर इन द टुमारोस क्लास। ठीक है, कल वाली क्लास के अंदर बेटा जरूर रहें जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। कल वाली क्लास के अंदर हम लोग ईएमआई, एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और अगर बेटा टाइमली अगर हम लोगों ने इन तीनों चैप्टर्स को कम कर लिया पढ़ के तो हम लोग कल वाली क्लास जो है उसको भी शुरू कर देंगे, यानी कि सेकेंड बुक जो है उसको भी स्टार्ट कर देंगे। कल कौन सी डेट है? 8th। ठीक है, 8th को हमारी फर्स्ट बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, फिर 9th को हम लोग सेकंड बुक को स्टार्ट कर देंगे और आधी कर लेंगे, और 10th को हम लोग सेकंड बुक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 11th को आपके लिए बहुत ही जोरदार बेटा माइंड मैपिंग सेशन लेकर पर्टिकुलरली फॉर यू पीपल माइंड मैपिंग सेशन लेकर आऊंगा। सारे के सारे माइंड मैप्स बनाऊंगा एक बार, चिंता ही नहीं करनी भाई। 11 तारीख को सारे चैप्टर्स एक बार में रिवाइज, पूरी 11th भी पूरी 12th भी। ठीक है, सब कुछ रिवाइज करवा दूंगा 11 तारीख को। एग्जाम से पहले जैसा रिवीजन होना चाहिए ना बेटा वैसा रिवीजन करवा दूंगा, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है, हाँ अपन ये कोशिश करेंगे कि अपन लोग 11 तारीख को फ्री हो जाए और उसके बाद में कोई फालतू की पढ़ाई जो है उसको ना करें। ठीक है ना, 12 तारीख एकदम फ्री निकाले और मस्त रहें, ईएमए सेशन लगाएंगे 12 तारीख को, खूब सारी बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, चिल मारेंगे। ठीक है, गाने सुनाएंगे मैं और आप एक दूसरे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल बी डूइंग ऑल दिस फॉर यू एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। नीट के साथ भी, नीट के बाद भी मैं आपके लिए हमेशा हूँ। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आप लोग प्लीज साथ दीजिए, कनेक्टेड रहिए। और अगर बेटा कोई भी प्लस ज्वाइन कर रहा है तो उसे क्या करना है बेटा, मेरा कोड यूज करना है बच्चों एनएम सर। ठीक है, और इस वाले कोड को यूज करके मेरे साथ में कनेक्ट हो जाना है। आप लोग जानते हैं बेटा कि 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है इट कॉस्ट यू अराउंड 27,000 रुपीज, और जो बेटा 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन है वो आपको कॉस्ट करता है कुछ 32,000 रुपये। ठीक है, हाँ तो ये वाले सब्सक्रिप्शन सबसे अच्छे हैं बेटा। कोड क्या यूज करना है अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं तो बेटा NMSIR कोड यूज करो और मेरे साथ। दिस इज द बेस्ट पार्ट विच यू कैन डू राइट नाउ, गेट कनेक्टेड विद मी इस वाले कोड को यूज करते हुए। और अभी हम लोग 2 बजे दोबारा से मिलने वाले हैं, लेट्स मीट एट 2 PM राइट। और बेटा जो पहले के भी जो टेस्ट हो चुके हैं ना जितने भी मिशन फिजिक्स 150 वाले, तो अभी 2 बजे हम लोग मिलेंगे। बहुत सारा काम करना है मुझे भी, मैं जाके अपनी बिटिया को भी संभाल लूँ थोड़ा सा, उससे भी मिल लूँ, देर से उसने मुझे देखा नहीं है। ठीक है, हाँ बेटा प्राइस राइज आ रही है अनअकैडमी के ऊपर, तो ये वाली जो कॉस्ट है ये 10 तारीख से बढ़ जाएगी। और अभी तो आप लोग बेटा EMI वगैरह के अंदर भी जो पेमेंट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपके लिए। ठीक है, प्राइस राइज जब हो जाएगी तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी, एकदम से जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि एज सून एज पॉसिबल आप लोग इन वाले कोर्सेज के अंदर अपने आप को एनरोल करें, मेरे साथ में कनेक्टेड रहें, मेरी स्पेशल क्लासेस के अंदर कनेक्टेड रहें। और जब भी बेटा आप लोग यहाँ पर मेरे साथ में जुड़े या अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म लें, चाहे फिर आप बेटा JEE स्टूडेंट्स हो, चाहे फिर आप बेटा नीट स्टूडेंट्स हो, आप लोग कोड क्या यूज करें बेटा, आप लोग NMSIR कोड यूज करें जिससे आप और अगली क्लास जो है कल सुबह वापस से 10 बजे 10 AM क्लास। बी देयर इन द क्लास गाइज, जिससे कि हम लोग पढ़ाई जो है उसको बहुत जोरदार तरीके से कर पाए और सारी के सारी जो NCERT है हमारी उसको हम लोग कम्प्लीटली पढ़ पाए बेटा, बिकॉज रिवाइजिंग NCERT इज अ मस्ट राइट नाउ। अगर हमने ये रिवाइज नहीं की तो ये समझ लो हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, बहुत भारी बेटा हम लोगों से जो गड़बड़ है वो हो जाएगी। NCERT तो पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाकी हाँ, शाम को हमारा यूट्यूब के ऊपर भी एक सेशन है, उस वाले सेशन के अंदर जरूर से 7B। ठीक है, आखिरी 5 दिन के बारे में बताया, 5 days राइट एवरीवन। ओके, लेट्स मी बाय, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। कल वाली क्लास में जरूर से आए, आज शाम को 7 बजे भी जरूर। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, सरप्राइज भी बहुत जोरदार।
चलो अभी पढ़ाई करो जल्दी से। बाय बाय।